पोपट जे रंगन जिया खूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध जै में हुंदा अवां जा मन घुरिया मेहमान इन प्रोग्राम में हुंदा कुछ खास मेहमान जिन सा तहां लाइव कॉल से जरिए गलहाप सगो ता आई उन सा गडो गर हुंदियो आजकल जे फैशन जो गालियों हेल्थ टिप्स आई मौसीकी जी महफिल सुबुह साजिर सिंध टीवी जे बेहतरीन आई सरमोड़ प्रोग्राम सलाम सिंध संगड मा तवां जी मेज़बान सहर शरजवी सलाम सिंध में मां हुंदस तां सा गड मंडे टू फ्राइडे सुबुह 9 वगे का 11 वगे तक तो पोए निसरना ने विसारींदा सलाम सिंध बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सभी प्यारन मानन के चंदासी जेके जेके बसा के मानु दिसन पिया डे परडे में सभी प्यारन मानन के वेलकम चंदासी आज बीहर ताजे पंजे शो सलाम सिंध में मां सहर शरजी आज असा बीहर गदयूं यही दुआ हमेशा मुजी हुंदी है आज भी यही दुआ है के यो साथ यो राबतो यही हमेशा कायम दायम रहे आज 26 जनवरी है फ्राइडे है जुमे जो प्यारो डी है आज 8 जमाइदुल अवल जी तारीख है जदें भी प्यारियों डेट्स चेंज थन्दन तो असें फील करन घुर्जन कि ये प्यारा डीन अल्लाह सही असि नेमत करे ठाया उन नेमतुन के असें यूटिलाइज करन घुर्जे पांजी जिंदगी में सुठे तरीके से यूटिलाइज करन घुर्जे इन सा गड तव्हांखे अॼु ॿुधायां त असां मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि जिन्हनि जे हवाले सां अॼु ॻाल्हाईंदासीं मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं आहिनि जिन्हनि जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं ऐं इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त असां अॼु मां चाहियां पई थोरो असां बेसिक शयूं आहिनि जिन्हनि जे बारे में असांखे ॻाल्हाइण जी ज़रूरत हूंदी आहे असां पाणी ते ॻाल्हाइणु चाहियां पई थोरो पाणी अलाह साईं जी अहिड़ी नेमत आहे जेके असां जेतिरा बि जंहिंजा शुक्राना असां अदा करियूं उहे घटि हूंदा आहिनि हमेशह ऐं असां हाणे स्पेशली पाणी जे करे एतिरियूं डिज़ीज़ ईंदियूं पियूं आहिनि एतिरियूं असां शयूं आहिनि प्रॉब्लम्स आहिनि जेके फेस कंदा पिया आहिनि मसला आहिनि जेके फेस कंदा पिया आहियूं ऐं उन्हनि खे असांखे सही करिणो हूंदो आहे अक्सर ईअं थींदो आहे हैदराबाद में बि हिकिड़ी रिसर्च साम्हूं आई आहे कल्ह हिकिड़ो आर्टिकल पढ़ां पई त उन में इहो कि पेट जी बीमारियुनि जे करे या पाणी जेको आहे बॉयल करे ना पीअण जे करे ॿारनि में अक्सर डिज़ीज़ जेके आहिनि उहे वधी थियूं वञनि ऐं उन्हनि जी डेथ रेशो जेको आहे उन ताईं पहुची थियूं वञनि ऐं डेथ रेशो वधी वियो आहे हैदराबाद में स्पेशली इहा शइ थिए पई त असांखे बि केयर करण जी ज़रूरत हूंदी आहे पाणी जेको आहे उहो साफ़ु असां वटि सही तरीक़े सां मां चवंदमि प्यूरीफाई थी नाहे अची सघंदो त उन में इहो आहे की तव्हांखे पंहिंजो थोरो करेक्टर प्ले करण जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं उते पाणी जेको आहे बॉयल करे इस्तेमालु करण जी ज़रूरत हूंदी आहे घरनि में बेसिकली असां पीअण जो पाणी जेको बि आहे असां उहो खाधे पचाइण में जेको बि इस्तेमालु करियूं था उहो तव्हां बॉयल पाणी इस्तेमालु करियो उहो तव्हांजी सिहत जे लाइ इलाही सुठो आहे ऐं असां ॿाहिरि ॾिसूं ॿिया मुल्क जेके आहिनि उन्हनि में बि चाइना ॾिसूं त उहे अक्सर जेको पाणी आहे उहो बॉयल करे पीअंदा आहिनि उहो पाणी नीम गरम पीअंदा आहिनि थधो पाणी न आहिनि पीअंदा असां वटि वरी हिकिड़ो ॿियो बि मर्ज़ु आहिनि असां थधो पाणी ॾाढे शौक़ सां पीअंदा आहियूं त हिते न पीअणु घुरिजे ऐं थोरी घणी पंहिंजे सिहत जे हवाले सां केयर करणु खपे ऐं उहा नायूं कंदा उन जे करे वरी बीमार थींदा आहियूं वरी पोइ हॉस्पिटल जा चकर हूंदा आहिनि वरी पोइ ॿिया मसला हूंदा आहिनि त असांजी जेकी बेसिक नंढियूं नंढियूं शयूं असां सही तरीक़े सां करे सघंदासीं जॾहिं कंदासीं त असांजी रुटीन असांजी ज़िंदगी जेका आहे उहा प्रॉपर तरीक़े सां हिकिड़े सुठे नमूने सां उहा गुज़रंदी त इन जे लाइ तमामु घणो ज़रूरी हूंदो आहे त इहे बेसिक शयूं आहिनि इन्हनि जो असां ख़्यालु रखूं ऐं ॿारनि खे बि स्पेशली जॾहिं पाणी ॾियूं था स्कूल वेंदा पिया आहिनि अमड़ियूं जेके आहिनि उन्हनि खे थर्मोस भरे पाणी जो ॾींदियूं आहिनि त उहो पाणी जेको उहो साफ़ु हुजणु घुरिजे या इहो बि आहे की तव्हां जॾहिं ॿारनि जे स्कूल में ॻाल्हाइणु वेंदा आहियो त उते स्कूल में बि तव्हां इहा ॻाल्हि प्रिंसिपल सां या हेड ऑफ स्कूल जेको उन सां इहा ॻाल्हि ज़रूरु कंदा कयो की हिते जेके कैंटीन ते शयूं ॿारनि खे खाराईंदा आहिनि या जेके बि शयूं कैंटीन ते मिलंदियूं आहिनि स्कूल में कॉलेजिस में त उहे साफ़ु हुजणु घुरिजनि उहे कीअं हुजणु घुरिजनि पेरेंट्स खे हिते थोरो ख़्यालु रखणु खपे छो त सभु कुझु जेका आहे स्कूल इंतिज़ामिया नथी करे सघे उन्हनि खे थोरो चवण जी बि करे ज़रूरत हूंदी आहे स्कूल इंतिज़ामिया वारनि खे बि इहो चवंदसि की हिते तव्हां पंहिंजी जेकी कैंटीन्स आहिनि उन्हनि जी सफ़ाई जो प्रॉपर तरीक़े सां ख़्यालु रखंदा कयो छो त असांजे ॿार जेके आहिनि उन्हनि जी सिहत तमामु घणी ज़रूरी आहे ऐं पाणी जी मां ॻाल्हि कई त इन खां अलावा जेके भाॼियूं असां वठंदा आहियूं त भाॼियूं बि असां धोई या बॉयल करे रधींदा आहियूं त इहो वधीक सुठो हूंदो आहे छो त भाॼियुनि ते स्प्रे थींदो आहे अॼुकल्ह त उहो ॿाहिरि पियूं हूंदियूं आहिनि त उन्हनि ते स्प्रे थियण जे करे
सेहत के लिए असाज मुजर हूं या खराब हूं तो इतने तमाम घो जरूरी है कि अस नंढी नंढी जी अस रूटीन लाइफ में शूं उन्होंने ख्याल क्यों अज भी अस सेहत के हवा से गुफ्तगु इंशाल्लाह कंदी गाली स्पेशलिस्ट अस मौजूद हूं जिन्हें अस कचहरी कहीं सेहत के हवा से गाली तक क्यूरीज हुजन तुम भी पुछी सो वो बुधाइंदम कि स्पेशलिस्ट हैं कड़े हवाले से अस गुफ्तगु कर सूंता ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जी गेस्ट हैं उनसे तक मिलाई इतने टाइम एक नंढे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थोड़ा है कीप वॉचिंग वॉचिंग सलाम सिंह वेलकम बैक चंदासी एक दफा बीहर तुम सभी प्यार मानू के तहे प्रोग्राम में अज मां इंट्रो में बुधायम अस गुफ्तगु जो अस जनरली कहीं सेहत के हवा से कहीं छो तो अवलियत असा वो सेहत के दियण घुर्ज अस लाइट वा काफ़ी शेयर के असा लाइट न वन घुर्ज ए ध्यान दियण घुर्ज कि असड़ी शूं जी असान सही कड़ी जी खाण से पीण से नंढी नंढी शूं कोताइन के कर बीमार थी पा तो इनमें असो घो पान से भी ध्यान दियण की जरूरत है पैंती सेहत से भी ध्यान देनी जरूरत है पान के मेंटेन करण जिला जरूरी है कि अस अड़ा स्पेशलिस्ट जन उन्होंने गालों असो हल है मसले जो, जो हल है वो अस गोल्यूँ बो यो कि अस मसले का पाने पान के रोके सकूँ काफ़ी दफा ये थोड़ा कि अस चंदा कि इलाज जो है वो बेहतर है तुम इलाज जो है एहतियात जो इलाज का बेहतर है तो एहतियात अस कहीं इलाज तक को पहुंचासी तो जरूरी होंगे पे ही असें वो शूँ खबर हुए तो अज अस डिस्कस कहीं इनशाला ये सारी शूं असा अड़ी पर्सनैलिटी मौजूद है इन्हें पीएचडी इटली में थियल है माशाला से ऑस्ट्रिया जो भी इन एक्सपीरियंस है इंटरनेशनली माशाला से क्वालिफाइड हैं अस अज सेहत के हवा से गाली मुख्तलि बीमारियों से भी इन गाले सूस स्टीम सेल स्पेशलिस्ट हैं स्कॉलर भी पान डॉक्टर नाज़िर हुसैन मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कैसे हैं आप सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे थैंक यू सो मच आप अपना टाइम निकाल के हमारे पास आ जाए बहुत शुक्रिया और मैं भी बहुत खुश हूँ सिन टीवी को हम अक्सर देखते थे और आज माशाल्लाह यहाँ मौजूद हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका और ये कि इंशाल्लाह इस्लामिक सेहत के हवाले से जो भी आप पूछना चाहें इंशाल्लाह मैं उस हवाले से बात कर सकते हैं मोस्ट वेलकम मैं सबसे पहले तो पूछना चाह रही हूँ आज आपसे कि आजकल जो हमारे यहाँ चीज़ें चल रही हैं जैसे पानी की मैंने बात की तो पानी हम बॉयल करके नहीं इस्तेमाल करते या हमें पता नहीं होता उसको बॉयल कैसे करना है बिल्कुल पानी के हवाले से क्या क्या बीमारियाँ हैं जो फैल रही होती हैं बिल्कुल देखिए पानी बुनियाद है और इंसान 70% इंसान के अज्जा में पानी शामिल है इस अगर हम पानी साफ नहीं पियेंगे तो हमारा 70% हिस्सा डैमेज हो सकता है तो इसका तरीका पानी अब चूँकि पानी इतना साफ नहीं है हमारे मुल्कों में हमारे शहरों में साफ़ करने के लिए हमें एक कॉटन का या मलमल का एक पुराना कपड़ा जो कम से कम 4-5 साल पुराना हो क्योंकि जितना कॉटन या मलमल पुराना होता है उसमें रेशे निकल आते हैं अच्छा अब ये फिल्टर का काम देगा जब हमें नल में से पानी हासिल करना है तो हम सबसे पहले नल पर या ट्यूबवेल के मुंह पर इस कपड़े की 2-3 तह बांध लें और हल्की मिकदार में उसको खोलें और साफ़ बर्तन में उस पानी को हासिल कर लें जब पानी उस कपड़े से गुजरेगा तो तकरीबन 30-40% यहाँ वो फिल्टर हो जाता है सही सर आगे कैसे होगा फिल्टर इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे कॉल भी एक हमारे साथ है हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम केर गलाए पे हो किथा गलाए तो मामा के साथ बत्ती जला के दादू होटल बनाया थी वो आता जो दोस्त आए सदा मुसल सुनेंगे साथ उन्हीं डॉक्टर साहब पूछा सदा बीमारी सर थोड़ी जी जी ता बिल्कुल पूछो केड़ी बीमारी थी हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम अस्सलाम मामा के साथ गला तो था दोस्त का सदा मुसल सुनेंगे साथ उन्हीं के तो गिटरी पे थी उनमें दर्द में यो छाते रहे ता वरी बुधाई दो बीर छाते हुए अच्छा हाँ ठीक है असा तक डॉक्टर साहब का पूछी बुधा थैंक यू सो मच तक कॉल कई भा वो पूछ रहे उनके कोई फ्रेंड है जिनको हम सिंधी में बोलते हैं गिडड़ी पई वही मतलब वो नसें जो है खिंच जाती हैं ओके वो क्यों उसकी वजह क्या होती है इन्हें इन्हें शुगर या ब्लड प्रेशर है वो कॉल ड्रॉप हो गई अच्छा अगर अगर इन्हें शुगर है और ब्लड प्रेशर है तो इसका मुकम्मल और बेहतर इलाज कराएं अच्छा हाँ और बेहतर यह है कि किसी करीबी MBBS फिजिशियन के पास जाकर अपना पूरा मुआयना कराएं चेकअप कराएं हो सकता है वो 2-3 टेस्ट लिख कर दें इन्हें और उसकी सूरत में लेकिन जब तक के लिए ये कुछ घर में अपना एक छोटा सा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और वो ये है कि
طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوا ہے قسط البحری یا قسط شیری بھی کہتے ہیں اس کو پاکستان میں، یہ عام پنساریوں کے مل جاتی ہے اور صاف ستھری قسط شیری پیس کر اس کا ایک چائے کا چمچہ ناشتے کے بعد ایک رات کھانے کے بعد لے لیں۔ اچھا سر، یہ ملتی کہاں سے؟ ہر پنساری پہ مل جائے گی، پنساری کے بالکل پنساری کے پاس سے مل جاتی ہے یہ، اور اس کے ایفیکٹس میں یہ ہے کہ یہ مسلس کو ریلیکس کرتی ہے اور نروس کو بھی ریلیکس کرتی ہے، اور جو میسیجنگ ہے ہمارے جسم میں برین سے اور پاؤں تک ان میسیجز کو نارمل کرتی ہے، ریگولائز کرتی ہے ان کو۔ تو یہ استعمال کریں گے تو ان کو ریلیف ہوگا، لیکن بہتر ہے کسی کلینک پہ جا کے اپنا معائنہ کرائیے۔ اچھا، یہ چیز جو ہے نسیں کھینچ جانا اور یہ چیز بچوں میں بھی اکثر ہو جاتی ہے، بڑوں میں بھی ہو جاتی ہے، یہ ویکنس کے حوالے سے بھی ہوتی ہے؟ بالکل، یہ جنرل ویکنس زیادہ اس میں وہ ہے، اور خون کی کمی اس میں ساتھ شامل ہے، اور اگر شوگر ہے اور بلڈ پریشر ہے تو ایسے میں نسیں کھینچنا اچھے خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، بالکل صحیح۔ سر، آپ بات کر رہے تھے پانی کے فلٹر کرنے کی۔ پانی کو ململ یا کاٹن سے فلٹر کر لیا جائے، اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ المونیم کی پتیلی کی بجائے اسٹیل کی یا مٹی کی ہانڈی میں اس کو ابالا جائے، کیونکہ المونیم میں کریں گے تو المونیم کا جو منرلز ہیں وہ شامل ہو کر پانی کو مزید نقصان دہ بنا سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس میں ہم مٹی کی ہانڈی محفوظ ہے اور اسٹیل کی ہانڈی المونیم سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس میں اسے بوائل کر لیجیے، اور بوائل کرنے کے بعد آپ نے جس برتن میں محفوظ کرنا ہے وہ بھی صاف ہونا چاہیے، اس کے منہ پر بھی ایک کپڑے کی 3-4 تہہ لگا دیجیے، اسی طرح پرانا صاف کپڑا۔ یہ اگر آپ فلٹر کریں گے تو وہ پانی جو ہم براہ راست نل سے بوائل کر کے پی رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ 50% زیادہ صاف ہو چکا ہے۔ صحیح۔ ایک اور کال بھی یہاں پہ سر ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو، بالکل ٹھیک ٹھاک، تاں کی ہیں، خوش ہوئے ہو؟ اللہ جائے سام سام سا کچھ نہیں بات کریں۔ اساں بالکل ٹھیک ہے، کتاں گالا ہے پیا؟ جی ماں کراچی میں گالا ہے پی مسز ذوالفقار۔ جی جی، تاں کچھ پوچھن چاہیندا ہو، کچھ پروگرام دے حوالے سے گالا ہے چاہیندا؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھوں گی۔ جی جی، میرا ہسبینڈ اس کی ٹانگ میں بہت درد رہتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کا جو جسم پورا جکڑا ہوا ہے، انہیں شوگر، بلڈ پریشر میں تکلیف میں تکلیف میں ہوں۔ اچھا، انہوں کی شوگر یا بلڈ پریشر تو نہ ہے؟ ہاں شوگر ہے۔ شوگر ہے، اچھا۔ تھینک یو سو مچ، تاں اساں کے کال کئی، تاں جو جواب ڈاکٹر صاحب کا اساں وٹھوں دا، ان کو شوگر بھی ہے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ شوگر میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پاؤں سے بالکل بے جان سے ہو جاتے ہیں، خاص طور سے 50 سال کے بعد۔ اچھا، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ان کا وزن زیادہ ہے تو یہ وزن کم کریں۔ اچھا۔ اور شوگر کا ایک بہترین علاج احادیث میں بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قسط شیری، اس کا میں نے ابھی نام لیا، قسط شیری کلونجی، قسط شیری تقریباً 10 گرام اور کلونجی 50 گرام۔ اچھا۔ اور حب الرشاد 10 گرام۔ اب یہ نام اگر لکھے ہوئے ہوتے تو شاید لوگ فالو کر لیتے، لیکن اس کا پھر بھی بتا رہے ہیں نا، تو یہ میں لوگوں کو بھی بتا دوں، ڈاکٹر صاحب جے کو اساں کے علاج بدھائن پیا، جے کے اساں کے دواؤں یا بدھائن پیا شیوں وٹھن جلا بدھائن پیا کیئر جلا پن علاج جلا، تو اوے اساں نے پروگرام جے کو ہے وہ ریپیٹ تھیندو، یوٹیوب تے اپلوڈ تھی ویندو شام تائیں، اساں پنو پیج سلام سن جو ان تے بسائیں جو لنک جے کو ہے وہ شیئر کرے چلی ناسی، میں اس پہ پیج پہ شیئر کر دوں گی۔ بالکل، ایک اور بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی موبائل وغیرہ ہے تو یہ آواز اس میں میری ریکارڈ کر کے اگر آپ پنساری کو سنائیں گے تو تمام ادویات دے دے گا آپ کو۔ صحیح۔ تو اس میں قسط شیری 10 گرام اور کلونجی 50 گرام، حب الرشاد 10 گرام اور کاسنی کے بیج 10 گرام، اس میں سوئے کے بیج بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پیٹ سے گیسز کو نکالتا ہے، 7 گرام، انہیں پیس کر ایک چائے کا چمچہ ناشتے کے بعد اور ایک چائے کا چمچہ رات کھانے کے بعد لیں، شوگر کنٹرول بھی ہوگی اور لبلبے کو ایک نئی زندگی ملے گی اس سے۔ صحیح۔ اور اگر انسولین والے ہیں تو وہ انسولین والے ساتھ میں اونٹنی کا دودھ استعمال کر لیں، کیونکہ اونٹنی کا دودھ انسولین سے بھرپور ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو اگر وہ مستقل استعمال کرتے رہیں اور اپنے ڈاکٹرز کی نگرانی میں استعمال کریں تو ایک ماہ کے بعد ان کی انسولین کی جو ضرورت ہے، جو وہ انٹیک خود کر رہے ہیں، جی، اس میں کمی آنے لگتی ہے، اور اس طرح اونٹنی کے دودھ کی وجہ سے ان کا انسولین ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، بہت بڑی آپ نے بات کر دی۔ ایک اور کال بھی یہاں پہ سر ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کیر گلائے تھو، کتنا گلائے تھو، کال ڈراپ تھی وی، تاں بیئر کال کیو کو مسرنا ہے، تاں جی کال انشاءاللہ اساں تائی پہنچی ویندی، تاں جی کیوری جے کیسا تائی پہنچی ویندی، اے تاں گھر بیٹھے علاج جے کو ڈاکٹر صاحب کا تاں پنجو مسلو جے کو شیئر کرے ان جو علاج پوچھی سکندو۔ جی ہم میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اکثر شوگر میں ایسا بھی ہوتا ہے پیر اور ہاتھ جو ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں، سن کیوں ہو جاتے ہیں؟ جی دیکھیں، بلڈ سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے بہت سے حصوں میں ہمارے، خاص طور سے پاؤں میں۔ اچھا۔ جیسے ابھی ان خاتون کا فون تھا کہ پاؤں میں درد، اب یہ درد سے بات شروع ہوئی ہے،
आगे जाके ये भी हो सकता है कि ये बात गैंग्रेन पे जाके खत्म हो। गैंग्रेन क्या? और गैंग्रेन ये होता है कि पाँव में जख्म हो जाते हैं, पाँव गल जाते हैं और वो रीजनरेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। बिल्कुल, रीजनरेशन खत्म हो जाती है। और साथ ही ये कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन इतनी कम हो जाती है कि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, और जिस जिस्म के हिस्से को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वो डेड हो जाएगा। सही, इसीलिए उसको काट दिया जाता है। अच्छा, काट दिया जाता है। सर एक और कॉल भी यहाँ पे हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के जाला था, मैं बात कर रही हूं कराची से। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ पूछे। जी जी, आप बिल्कुल पूछे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताइए। मुझे हाइट का पूछना है कि हाइट का कुछ ट्रीटमेंट है तबन अभी में। ओके, आप कितनी हाइट है आपकी इस वक्त? मेरी 5.3। और एज क्या है? 22। हाँ, अभी आपके पास है, वक्त है। ओके, घर में वालदेन की हाइट कैसी है? वालदेन की अच्छी है। आपसे ज़्यादा है? जी। ओके, देखिए मैं आपको इंशाल्लाह इसका एक हल बताता हूँ तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच कॉल करण जिलाए जी। हाइट के हवाले से पहले तो कुछ गिजाएँ हैं जो आपकी हाइट को रोकती हैं। अच्छा, हमें उनसे अवॉइड करना होगा। पाकिस्तान में ये मसला बहुत ज़्यादा है। अभी एक हमदर्द यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की है कि पाकिस्तानियों की हाइट कम हो गई है। अच्छा, और उसकी वजह वो बताई गई है जो जिसका अभी कुछ अर्से पहले एक कन्वेंशन हुआ है मेडिकल पर जर्मनी में। अच्छा। और उसमें बताया गया था कि जो फार्मी चिकन और फार्मी अंडे हैं ये हाइट को रोक रहे हैं। हमें फार्मी चिकन जो हम आजकल खा रहे हैं फास्ट फूड में खा रहे हैं, क्योंकि ये हार्मोन है। हाइट का ताल्लुक आपके हार्मोन के साथ है। हम जब चिकन और अंडे खाएंगे तो वो हार्मोन से भरपूर हैं, वो हमारे उन हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं जो हमें इंटेलिजेंट बनाते हैं या हमारी आई साइड, हमारी आई क्यू बेहतर करते हैं, हमारी हाइट लेकर आते हैं, हमारी सेहत को बेहतर बनाते हैं। वो हार्मोन्स या तो डेड हो जाते हैं या इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हमारी हाइट रुक रही है। तो अब इसका पहला तरीका तो ये है, अगर कोई अपनी हाइट बढ़ाना चाहता है, कि फार्मी चिकन और फार्मी अंडे से परहेज़ करना होगा। सही, इसके बगैर हाइट का कोई मसला हल नहीं हो सकता। और ये सिर्फ हाइट का मसला नहीं है, शुगर और लीवर डिजीज़ जब हेपेटाइटिस हो जाए, और अगर वो शख्स फार्मी चिकन इस्तेमाल करेगा तो उसका हेपेटाइटिस शायद ही खत्म होगा उसका। अच्छा, फैट भी बढ़ रहा होता है बॉडी का, और फैट आपका जैसे कैलोरीज बढ़ रही होती हैं, फैट बढ़ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा है। और इसकी वजह ये बताई गई कि हम फार्मी चिकन को जो डाइट दे रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक है इंसानी जिस्म के लिए। सही। तो अब ये हाइट के हवाले से हम बात करेंगे जो उसको चिकन को हम दे रहे हैं। एक और कॉल भी यहाँ पे, डॉक्टर साहब हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। के रहे हैं ससगर केर गल है तो कितना गल है तो प्लीज अदा तां टीवी जो आवाज बंद करे गल है ना सही तरीके से कम्युनिकेशन करे सकना सी। कॉल ड्रॉप थी वही तीर कॉल के पर कोशिश कंदा क्यों जरिम तां कॉल के असन के तोरे टाइम तां टीवी जो आवाज बंद करे गल है ना क्यों ताकि असानी क्यूरी जेका है तां जी क्यूरी असा तई सही पहुंची सके, कम्युनिकेशन जेका है वो सही प्रॉपर तरीके से थी सके। टीवी जो आवाज वधिक हुंदो तो असन के थोड़ी वा डिस्टर्बेंस थी अलायंस में। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे जी हाइट के लिए इन्हें सबसे पहले तो ये है कि जो गिजाओं में सेब में ये ताकत, क्योंकि सेब के अंदर सिलिकॉन होता है, आयरन भी होता है सेब के जी अंदर। जी आयरन, आयरन तो माशाल्लाह काफ़ी है, सिलिकॉन हर गिजा में नहीं होता। अच्छा, इसमें सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन और आयरन जैसे आपने बताया, आयरन की एक अच्छी मकदार मौजूद है, पोटेशियम भी है, ये तीनों का केमिकल रिएक्शन होता है और ये हड्डियों को बढ़ाने के काम आता है। अच्छा, एक और एक फल तो ये है, चूँकि ये पूरा साल मिल सकता है, तो एक सेब या दो सेब का जूस रोज़ाना पिए ये सुबह नहार में। सही। एक और चीज़ है रॉयल जेली के नाम से। रॉयल जेली का इशारा कुरान हकीम की आयत सूरह नहल आयत नंबर 68-69 में इसका तस्करा है। अच्छा। और आज मगरिब ने इस पर काम किया, मगरबी साइंसदानों ने ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, उन्होंने रॉयल जेली निकाली। ये रॉयल जेली हाइट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अच्छा, यानी रॉयल जेली होती क्या, इसके हवाले से भी आप तफसील से हमें बताइएगा, बयान कीजिएगा। यहाँ एक और कॉल भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। केर गलाए पियो कि तां डॉक्टर साहब गलाए नो आ? जी जी, तां बिल्कुल गलाए हो। मां सखर को दी गलाया आदि सखर खुश है अल्लाह ये शुक्र ता की गयो असा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फिट है। ता डॉक्टर साहब से छा पूछन चाहिंदो? आमीन आमीन। कुछ पूछन चाहिंदो ता? बाहू पे शुगर आदा की अपने जे करे मुझे पैरन में सूर, जिस्म में सूर, तां ये काम में फर्क की न तो पाए। अच्छा, एज केतरी है तां जी? 50। अच्छा, थैंक यू सो मच, तां कॉल कई, तां जवाब तां के डॉक्टर साहब देन पिया।
वो पूछ रही हैं कि मेरे शुगर बहुत ज़्यादा है और पेट जो है वो सूज गए, उनमें पेन जो बहुत ज़्यादा रहता है, दवा जो है वो असर नहीं कर रही। इंसुलिन इनको पहले तो किसी करीबी क्लिनिक पे जाना चाहिए। अच्छा। और ख़ास तौर से जो डायबिटीज़ के सेंटर्स हैं वहाँ रब्ता करना चाहिए, हो सकता है इन्हें फौरी तौर से इंसुलिन की ज़रूरत हो। अच्छा। लेकिन तब तक के लिए मेरा मशवरा इनको यह है कि जो मैंने नुस्खा बताया है शुगर का, ये इसे इस्तेमाल करें और ऊँटनी का दूध फौरी तौर से शुरू कर दें। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी शुगर इनके जिगर पे ऐसा असरअंदाज हो रही है। अच्छा। तो इसलिए इन्हें जब डायबिटिक सेंटर में जाएंगी वहाँ अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें ये चीज़ सामने आ सकती है। लेकिन अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो लीवर भी थोड़ा सा कमबैक करता है। सही। तो ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद हम तफसील से गुफ्तगु करेंगे। नाज़रीन असां तिब्बे नबवी के हवाले से सेहत के हवाले से गुफ्तगु करी मैं डॉक्टर साहब से। जनरली मेडिकल जका है वहाँ भी कुरान शरीफ में इलाही सारी शयूं जो वरती हुई असा पा खबर ना उन्होंने वजह से इंशाल्लाह गलसी कि असि सेहत जो ख्याल रखना घुर्जे। हाइट जो डॉक्टर साहब बुधन पे हाइट कि बधाने घुर्जे तो उनको तफसीली जवाब जो ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब असर इतने नंढो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थे। स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक। भलेकार चाहे एक दफा बीहर सभी प्यार मानून के सेहत के हवाले से गुफ्तगु करूँ पा। डॉक्टर साहब अस मौजूद हैं असा तिब्बे नबीवी गरोगर जो मेडिकल साइंस है इन बिन्हीं के हवाले से गुफ्तगु करूँ पा। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे हमें कोई जेली है उसके हवाले से जो हमारी हाइट बढ़ाती है, जिन भी मानू की हाइट नंढी है या कद नंढो है तो वह मानू ये बुधी सकता जो साइड इफेक्ट बना हूँ जी। कुरान हकीम की आयत सूरा नहल की आयत नंबर 69 में इसका तस्करा है। अच्छा। इसका इशारा दिया गया है और जर्मन साइंसदानों ने जब इस आयत पर रिसर्च की 1948 में तो रॉयल जेली नाम से एक शहद की मक्खी का एक्चुअली जिक्र है इस दो आयतों में। और ये बताया गया कि शहद की मक्खी सिर्फ शहद नहीं बल्कि कई रतूबतें बनाती है और उनमें से बहुत से नाम आए सामने लेकिन एक रॉयल जेली का था। रॉयल जेली वो चीज़ है कि शहद की मक्खियों की एक मलका होती है क्वीन बी। अच्छा। बाकी शहद की मक्खियाँ शहद खाती हैं लेकिन क्वीन बी रॉयल जेली खाती है और एक इंच का साइज़ होता है आम शहद की मक्खी का जबकि मलका मक्खी का साइज़ 3 इंच से ज़्यादा होता है। अच्छा। तो इसलिए इसे हाइट बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है और इसका तरीका यह है कि पाकिस्तान में इसके कैप्सूल्स मिल जाते हैं या शहद में मिक्स हुई हुई रॉयल जेली भी मौजूद है पाकिस्तान में। इस रॉयल जेली को सुबह नहार मुँह इसका एक हाफ टी स्पून सबसे छोटा चमचा जो चाय का होता है वो इसे इस्तेमाल किया जाए एक गिलास पानी के साथ। सही। और इसी तरह रात जब खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले इसको इस्तेमाल किया जाए। आमतौर पे 3 से 4 माह में कद में इजाफा होना शुरू हो जाता है और जैसे कि कॉलर की उम्र 22 साल है तो इनके पास अभी 1 से 1.5 साल मौजूद है, ये इसमें अपनी हाइट बढ़ा सकती हैं। सही। लेकिन साथ ही इन्हें फार्मी चिकन, फार्मी अंडे और दूसरी चीज़ों से परहेज़ करना होगा, जैसे चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल भी हाइट को रोकता है। तो इसलिए तो पता नहीं था चीनी का वाकई में इस्तेमाल ज्यादा आपकी हाइट को रोकता है। बिल्कुल, बच्चों को इसलिए ज्यादा शुगर्स नहीं देनी चाहिए। अच्छा। इसलिए शुगर का सब्स्टिट्यूट चॉकलेट लाया गया था क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं, उनको चीनी से बचाने के लिए चॉकलेट का इस्तेमाल शुरू किया गया। सही। एक और कॉल भी यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अदा, तुम बिल्कुल पूछो सिटी में शुगर मेरी नॉर्मल नहीं हो रही जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं उनसे? इन्हें ब्लड प्रेशर या इनका वजन, ब्लड प्रेशर वगैरह है? इनका वजन कितना? ब्लड प्रेशर अधिक रहता है। अच्छा, आई वेट कितरो था, वजन कितरो है? वजन नॉर्मल, वजन घटा, वजन स्मार्ट बाटिया। सही। आई एज कितरी है? तो ये आई 43 साल का। सही। तहां के डॉक्टर साहब तहां जो को इलाज है तहां के बुधन पे। थैंक यू सो मच तहां सा के कॉल की प्रोग्राम में तहां शामिल थे जी। देखिए, अक्सर आपने कॉलर्स को देखा, वो एक बात कह रहे हैं कि हम दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो असर नहीं कर रहे हैं। इसमें ग़िज़ा का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान पे जो रिसर्च हुई है उन मुल्कों में शामिल है जो ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं जिनकी वजह से दवाएं असर नहीं कर रही। अच्छा। और इसमें सरे फहरिस्त फार्मी चिकन, फार्मी अंडा और गाय भैंस जो बीफ कहते हैं
इसे हमें अवॉइड करना होगा अगर कोई ये चाहता है कि उसको दवाओं से शिफा हासिल हो जाए, क्योंकि एक तरफ हम दवा से पॉजिटिव असरात लेते हैं लेकिन ग़िज़ाएँ उसको नेगेटिव कर देती हैं। तो हमें इन ग़िज़ाओं से जब परहेज़ करेंगे, अब इन जो नुस्खा हमने बताया था, अगर ये नुस्खा इन्हें ये इनको इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ऊँटनी का दूध एक बेहतरीन ग़िज़ा है क्योंकि उसमें इंसुलिन है। अब मैं ये बता दूँ कि एक लीटर ऊँटनी के दूध में 50 यूनिट इंसुलिन होती है। अच्छा, और ये वही इंसुलिन है जो इंजेक्शन के जरिए से हम आमतौर पे लेते हैं। सही। और डॉक्टर साहब, ये दूध पीना कैसे है, मतलब किस टाइम पीना है, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए? वेरी नाइस। इसमें एक कप सुबह नाश्ते के एक घंटे बाद ले लिया जाए, लंच के एक घंटे बाद और मगरिब के वक्त एक एक कप पी लिया जाए इसका। तो उससे जो है फायदा हो जाएगा, जो शुगर है आपकी वो कंट्रोल में आ जाएगी। जी बिल्कुल। अगर आप तीन कप पीते हैं, कोई साहब तीन कप पिए तो इन्हें तकरीबन 20 यूनिट इंसुलिन मिल रही है, जबकि रोज़ाना जो इंसुलिन लगाई जाती है इंजेक्शन के जरिए से वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 होती है। तो इसका मतलब है कि आधी ज़रूरत इनकी इतनी दूध से पूरी हो गई है। इसी तरह से इसी तरह अगर आगे जाते हैं और एक माह के बाद अगर ये एक गिलास सुबह, एक दोपहर, एक शाम कर देते हैं, तो इस तरह इन्हें 40 यूनिट हासिल हो रहा है। इसका मतलब कि वो अगर अपने डॉक्टर्स की निगरानी में ये करें तो तमाम इंसुलिन को रिप्लेस कर लेगा ऊँटनी का दूध, और वो इंसुलिन आपकी ख़त्म हो सकती है। इंसुलिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वो जो दवाएं हम लेते हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसमें जैसे खातून का फून था कि पेट सूज गया है, तो ये होता है बाज़ू का गुर्दों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उन दवाओं को खारिज मतलब कर सके। ऊँटनी का दूध आप जो बता रहे हैं वो बहुत फायदेमंद है, शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे इंसुलिन उसके अंदर मौजूद होती है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और कॉल भी हमारे साथ है। वालेकुम सलाम अदा, केर गलाए था जी, तां खुश हो, दादू की है जी? अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम की अच्छा है। अभी असा बिल्कुल ठीक है। तां कुछ पूछन चाहिंदा हो? जी जी, अभी डॉक्टर साहब आप सवाल पूछनो हो? जी जी बिल्कुल पूछो। जी डॉक्टर साहब, ये ब्लड प्रेशर जब हो जाता है हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर? जी जी, ब्लड प्रेशर जो है जब कम होता है तो उसके बाद सर में दर्द हो जाता है। अच्छा, ओके। तो ये लो थी तो ब्लड प्रेशर तां जो लो थी तो कितना हाई होता है? केतरो हाई थिंदो, हाने केतरो लो थिंदो है? लो मतलब ये मन नॉर्मल थे तो मन जन मथे में सूर है, ये थोड़ो घबराहट थी है। सही। थैंक यू सो मच ता सके कॉल कई क्यूरी जो ता जे जवाब जो को डॉक्टर साहब ता के देन पे। जी जी, वेरी मेहरबान, खुदा हाफिज। ओके, मैं जरा हाइट को कंप्लीट करना चाहूंगा कि जैतून का तेल, अल्लाह ताला ने इसमें कहा है, पूरी एक सूरत है, जैतून का तस्करा है उसमें बाकायदा। और आज की रिसर्च यह है कि अगर जैतून के तेल का मसाज किया जाए तो इससे भी हाइट में इजाफा होता है। अच्छा। इसीलिए बच्चों को जिनकी उम्रें 4 साल से ज़्यादा हैं और स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन्हें वीक में एक बार जैतून का तेल जो एक्स्ट्रा वर्जिन है उसका अगर मसाज किया जाए तो इससे हाइट में बहुत इजाफा होता है, और 12-13 साल के बाद बच्चे ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई 15-16 साल की एज की हाइट होती है। अच्छा, उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ती है? बिल्कुल, बहुत बढ़ती है। ऑलिव ऑयल से एक पूरा मसाज सर से पांव तक किया जाए, रात में किया जाए, और सुबह जैसे वीकेंड है रात में कर लीजिए, दूसरे दिन उसको शॉवर कर दीजिए। सही। डॉक्टर साहब, एक कॉल यहाँ पे और भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं आप? मैं रजिया नईम बात कर रही हूँ, कराची से। मुझे डॉक्टर साहब से बात कर रही है। जी बिल्कुल, आप बात करें, डॉक्टर साहब आपकी क्यूरी सुन रहे हैं। जी डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब कहाँ गायब हो गए, मैं तो आपको देख के हैरान रह गई इस टीवी पे। अच्छा, मैं तो चेक कर रही थी, मेरी आप पे नजर पड़ी, आप कहाँ चले गए, आपको तो हम ढूंढ ढूंढ के थक गए। मैं आजकल मलेशिया में हूँ, और आपने यकीनन एच टीवी पे देखा होगा मुझे। हाँ बिल्कुल, एच टीवी पे देखा, शायस्ता के साथ देखा, बहुत देखा, अब तो हम आपको ढूंढ रहे थे। आपका क्लिनिक कहाँ है डॉक्टर साहब? कराची में? कराची में इंशाल्लाह आपको इसका एड्रेस देंगे, हमारी होस्ट आपको एड्रेस देंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आप अपने क्लिनिक का हमें बताएं, और मुझे आपकी क्लिनिक पे आना है, वहीं आके मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू डॉक्टर साहब जी। क्लिनिक जो एड्रेस जो है तां कंट्रोल रूम में वठी सगोता है, तां के आप कंट्रोल रूम से हमारे ले सकती हैं, जो भी एड्रेस है डॉक्टर साहब का वो आपको बता देंगे, और आप आराम से आके वहां पे इलाज करवा सकती हैं, जो भी प्रॉब्लम है क्यूरी है। लेकिन यहां पे ये ऐसा होता है, तां हिते जेके कॉल्स कंदा आयो ई हुंदो है कि तां क्यूरी शेयर करो, तो एकड़ो मसलो के एकड़े मानू जो ना हो, इलाही सारे मानू जो हो, वो अगर एकड़ो उन्हें जो इलाज डॉक्टर साहब बुधाइंदा तो जाम सारा मानू उन्हें के फायदो थी वजे, तो ये सुठो हो कि तां फोन ते अगर सवाल करो तो डॉक्टर साहब जवाब देन, उन्हें से जाम मानू जिन के जो है मसलो उन्हें सॉर्ट आउट जो थी सके, तो उन्हें इलाज जो है घर वेठे सभी जो थी सके। तो जी
डॉक्टर साहब, मैं जुमे के हवाले से भी आपसे पूछना चाह रही थी। आज जुमा है, इसके हवाले से हमें बताएं क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। बिल्कुल, जुमे के दिन मुसलमानों को सेहत का बहुत बड़ा प्रोग्राम दिया गया है और इस दिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें उलमा कराम ये कहते हैं कि ये हुक्म के दर्जे में आती हैं। मसलन जुम्मे का खसूसी अहतमाम करना, साफ़ सुथरे कपड़े हों, जो बेशक पुराने सूट हो लेकिन धुला हुआ हो, एक तो वो तैयार हो, सुबह गसल कर लिया जाए और नाखून आज के दिन तराशने हैं, क्योंकि हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया जरासीम पाए जाते हैं वो या तो मुँह में हैं या फिर हमारे नाखूनों में होते हैं, तो वीकली इनका काटना इंतहाई ज़रूरी है पूरी सेहत के लिए। नाखून काटने के अलावा हमें जब गसल करना है, और गसल वो करना है जो हम पाकी हासिल करने के लिए गसल करते हैं, प्रॉपर पूरा वो गसल करना है। इसके बाद वो धुले हुए साफ़ कपड़े पहनने हैं, फिर खुशबू लगाने का कहा गया है। खुशबू खुद एंटी बैक्टीरियल है और एंटी फंगल है, फंगस नहीं होगी, फफूंदी नहीं लगेगी जो शख्स खुशबू का इस्तेमाल करेगा। अच्छा। और इसके साथ ही फिर ये बताया गया है कि आज के दिन मिसवाक का अहतमाम किया जाए, दांतों को अच्छी तरह ब्रश किया जाए, अच्छी तरह सफाई की जाए उनकी, और इस तरह से नमाज जुम्मा में जब आज़ान होती है तो उससे अच्छा, पहले नमाज कैसे फ़ायदेमंद है, वज़ू कैसे, ये भी आप हमें तफसील से बताएं। यहाँ पे एक और कॉल भी हमारे साथ है, शायद कोई क्यूरी पूछना चाह रहा है, कोई सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। वालेकुम सलाम, तां की है, खुश हो, कुछ पूछना चाहेंगे? असा बिल्कुल ठीक ठाक आई हूँ जी। मुझे सवाल हुई डॉक्टर साहब का, मुझे नंढड़ो 12 साल जो। जी जी। आवाज निकलो कोडन मां, आंगुलियन मां, पेरन जी मुरन मां ठक ठक जो आवाज इंदो या वीकनेस आ छाए छाजे करे उसके बच्चे के। ता उर्दू में भले पूछो को मसलो ना है डॉक्टर साहब, वो पूछ रही है कि बच्चे के उनके घुटनों से उंगलियों से आवाज आती है टिक टिक की जैसे आती है, तो ये वीकनेस वगैरह की वजह से है। हाँ, ये कह मैं इसके बारे में बात करता हूँ इंशाल्लाह। इनकी उम्र क्या होगी बच्चे की? 12 साल के बच्चे हैं। और वजन कितना इनका? वजन इसका कमजोर है लेकिन खेलने कूदने में बस माशाल्लाह एक्टिव है। कभी कभी खून टेस्ट कराया हो और उसमें खून की कमी आई है या कोई और टेस्ट आपने कराया हो वो बता दीजिए? कभी नहीं करवाया, कोई कमी नहीं कराया। तो एक CBC करा लीजिए खून का टेस्ट, उससे बहुत सारी वजूहात सामने आ जाएंगी कि वो आवाज़ें क्यों आ रही हैं, क्योंकि उसमें तकरीबन 11 एलिमेंट्स होते हैं खून के, केमिस्ट्री हमारी, उससे ये पता चल जाता है कि आवाज़ें या हड्डियों में क्या मसाइल हैं। सही। तो इसके लिए आम तौर पर चूँकि 12 साल का बच्चा है तो मैं कहूँगा कि इनको फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खिलाए जाएँ, और एक तिब्बे नबी का एक फ्रूट है इंजीर जी। अगर आप इंजीर देंगी तो इंजीर के बारे में हदीस मुबारक है, मैं अभी वही पढ़ने वाला था, कि जिसका मफहूम यह है कि इंजीर जोड़ों के दर्द में मुफीद है। सही। तो जोड़ों में, जॉइंट्स में जो भी मसाइल हैं, हम जहां दूसरी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं इंजीर भी इस्तेमाल करें, तो उससे ये होगा कि वो जो एक ये कह लीजिए लेस होता है एक हमारे जोड़ों के दरमियान, एक लिक्विड होता है, वो जितना कम होता जाता है जोड़ों के मसाइल में इजाफा होता जाता है या वो गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसे में इंजीर उसको बैलेंस करती है और वहाँ नई प्रोडक्शन होती है उस लुब्रिकेंट फ्लूड की इंशाल्लाह। सही, थैंक यू सो मच तक कॉल कई तक जवाब है डॉक्टर साहब तक दिनों। डॉक्टर साहब आप तफसील से हमें और भी गुफ्तगू जो है उसको बढ़ाएंगे आगे। आप नमाज के बारे में हमें बताइएगा, ब्रेक के बाद तफसील से बता दीजिएगा। इतने ब्रेक जो टाइम थो नाजरन तक बुधा कि नंढड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थो है, ब्रेक के बाद इनशाला असा सेहत के हवाले से जानींदी अभी नॉलेज मिली असर रहो ऐसा रहो सलाम से। वेलकम बैक चंदा सी तां सबिन प्यारन मानु के ऐसा सेहत जवारे सगले भी डॉक्टर साहब सा। डॉक्टर साहब आप जुम्मे के हवाले से हमें बता रहे थे आज फ्राइडे है तो क्या चीजें हमें करनी चाहिए, आप नमाज के बारे में बता रहे थे, वजू के बारे में, इसका फायदा साइंटिफिकली हमें क्या होता है, क्या चीज है? हां देखिए, वजू करने से जितने जाहिरी आज़ा हैं हमारे, हाथ, चेहरा और पांव, ये धुल जाते हैं, हाथ कोहनियों तक धुलते हैं, फिर हम सर पे भी हाथ फेरते हैं, कानों को साफ करते हैं और गर्दन साफ करते हैं। हमारी जिल्द की एक आदत है कि अगर इसके ऊपर कुछ डस्ट या कोई मट्टी धूल वगैरह कुछ आके गिर जाएगी, काफ़ी देर तक रहेगी, तो ये स्ट्रेस में आ जाती है। अच्छा। इसे कुटानियस नर्वोज़ा कहते हैं इसको, कि जिसमें जिल्द नर्वस हो रही है, इसलिए इस्लाम बार बार आपके हाथ धुलवा रहा है ताकि आपको जिल्द की तरफ से कोई टेंशन या कोई नर्वसनेस ना आए और आप जहनी तौर पर फ्रेश रहें। ये वजह कि जैसे इंसान हाथ मुँह धोता है तो पूरे जिस्म उसका, सारा जिस्म उसका, दिलो दिमाग
فرحت اور راحت محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جس پارٹیکلز جو کہ فضا میں موجود ہیں یا ہم کوئی کام کر رہے ہیں, ہمارے ہاتھوں پہ چیزیں لگی ہیں, وہ صاف ہو جاتی ہیں, اور وہ محنت جو جلد برین کر رہا تھا جلد کو صاف کرنے کی, وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے بھی, اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر بلڈ پریشر ہائی ہے تو وضو میں یہ وہ حصے ہیں جہاں بلڈ پریشر, جیسے ہمارے ہاتھوں سے جو گرمی ریلیز ہوتی ہے وہ ہتھیلیوں سے ہوتی ہے, یا ہمارے پاؤں کے نیچے کے حصے سے, یہاں سے زیادہ زیادہ ہمارا جسم گرمی کو ریلیز کرتا ہے. تو اگر ان ہاتھوں پر پانی لگتا ہے تو پانی کے ساتھ مل کر بھی ہمارے جسم کا میکسیمم جو ایکسٹرا ہیٹ ہے وہ خارج ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے اس سے. اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز میں جیسے آپ نے بتایا کہ میڈیٹیشن ہوتی ہے, اور وہ ہے کہ توجہ دینا, کسی ایک نقطے پر توجہ کرنا, کنسنٹریشن کرنا. جی بالکل, کنسنٹریشن. اور اس کنسنٹریشن کے نتیجے میں ایک اور بات یہ کہ ہم صرف کھڑے ہو کر سجدے کی جگہ پر کنسنٹریشن نہیں کر رہے, ہم جب رکوع میں جا رہے ہیں تو دونوں پاؤں کے درمیان میں دیکھ رہے ہیں, صحیح, اس سے دونوں پاؤں ہمیں نظر آ رہے ہیں. سجدے میں جا رہے ہیں تو اپنے ناک کی جگہ ہے, ہم اس پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں بیلنس ہو رہی ہیں جسم میں, ایک تو بلڈ پریشر بیلنس ہو رہا ہے, دوسرا کولیسٹرول بیلنس ہو رہا ہے, صحیح. اور دل کی جو پیلپیٹیشن ہے, جو دھڑکن ہے, وہ اتنی مناسب ہو جاتی ہے, پہلے تو تیز ہوتی ہے, اس کے بعد وہ نارمل ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہم سے ٹل جاتا ہے. صحیح, یہ وجہ ایکسرسائز بھی آپ کی ہو رہی ہے, کنسنٹریشن بھی آپ کر رہے ہیں. جی بالکل, مینٹلی اور فزیکلی دونوں ہیلتھ کے حوالے سے صحیح ہے. جی جی, ایک اور چیز ہے کہ کائنات میں جو ہمارا آسموسس ہے, اس میں کاسمک ریز ہوتی ہیں جو مسلسل انسانی اور حیوانی جسموں کو متاثر کرتی ہیں, اور یہ جمع ہو جاتی ہیں ہمارے جسم کے اندر, کیونکہ انسان دو اجزاء سے بنا ہے, ایک تو ہم مٹیریل ہیں, دوسرا انرجیز ہیں. تو انرجیز جسم میں داخل ہو جاتی ہیں, اگر یہ انرجی جسم سے نہ نکلے تو ہمیں ہسٹریا ہو سکتا ہے, یا مرگی کے دورے پڑ سکتے ہیں, ڈپریشن میں کوئی انسان جا سکتا ہے, ذہنی اور نفسیاتی مسائل اس میں سامنے آتے ہیں. ہم جب سجدہ کرتے ہیں, ہمارے پاؤں کی انگلیاں, ہاتھ, اور ہم یہ دو حصے جب سجدے میں رکھتے ہیں, وہ ساری ایکسٹرا انرجیز, وہ جسم کی زمین کی جو انرجی ہے وہ لے جاتی ہے اپنے ساتھ, اور جسم ہمارا پورا انرجیز سے خالی ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہے, ہم نے کھانا کھایا, اگر کسی کو کانسٹیپیشن ہو جائے, قبض ہو جائے, اور تین چار دن تک وہ خارج نہ ہو, تو آپ سوچیں وہ کس قدر پریشان بھی ہوتا ہے, مختلف درد بھی ہوتے ہیں اس کو, مختلف اس کی علامات آتی ہیں. تو انرجیز اگر جسم میں رہ جائیں اور ان کا کانسٹیپیشن ہو جائے, اس کو ہم کانسٹیپیشن نہیں کہتے, لیکن کانسٹیپیشن کی ایک صورت ہے کہ جسم سے انرجیز خارج نہیں ہو رہی, تو نماز میں آپ نے جتنی انرجیز حاصل کی تھیں وہ ساری کے ساری ایکسٹرا ہیٹ آپ کی زمین کی نظر ہو گئی. صحیح. اچھا, جو سجدہ ہم کرتے ہیں اس میں, میں نے کہیں ریسرچ میں یہ بھی پڑھا تھا کہ بلڈ سرکولیشن, آپ کی پورے جسم کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے, یا وہ کیونکہ روٹین میں ہم جو سر ہے وہ نیچے نہیں کرتے. جی, تو اس حوالے سے اس میں سجدہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قیام سے شروع کیا جائے, کیونکہ قیام آپ کو پریپیئر کر رہا ہے آپ کے دل کو, اور رکوع میں جب آپ گئے ہیں تو تین اعضاء ہیں ہمارے جو پریپریشن کر رہے ہیں انرجی ریلیز کرنے کی اور بلڈ سرکولیشن نارمل کرنے کی. اس میں لبلبہ ہے جس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے ہمیں, رکوع کی حالت میں لبلبہ تیز ترین فنکشن کرتا ہے, اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ رکوع لمبا کیا کریں, ذرا جیسے تین بار, پانچ بار یا سات بار پڑھنا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم, تو وہ سات بار کا اہتمام کریں, کیونکہ جتنا لمبا رکوع ہوگا لبلبہ تیز فنکشن کرے گا, اور وہ دواؤں کی مدد سے اور اس عمل کی مدد سے واپس آئے گا. تو یہ کرتے ہوئے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تب وہ بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بیٹھے ہوئے اچانک سجدہ کر لے تو شاید اتنا بینیفٹ نہ ملے اس کو. صحیح. اسی لیے ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ فرائیڈے پہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے, صحت کے حوالے سے بھی یہ کام آ رہی ہیں ہمارے, اور کیا چیزیں جو ہمیں بچوں میں, چھوٹے چھوٹے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں گھروں میں, ان میں عادت ڈیولپ کرنی چاہیے, کیا چیزیں جو ان کی صحت کے حوالے سے اچھی ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ ہاں دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شہروں کے علاوہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں یا دوسرے علاقے ہیں, وہاں لوگ اتنے محنت مشقت کا کام کرتے ہیں, اور بعض علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے وہاں نہانے کا روزانہ کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا. تو ایسے میں جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے فرمایا کہ پورے جسم کو صاف کیا جائے. دیکھیں, جمعے کو چھوٹی عید قرار دیا گیا ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ ہم عید کے دن کیا کیا کام کرتے ہیں, وہ سارے کام اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ایک چھوٹی عید ہے, اور پھر اس دن درود پاک کا بہت زیادہ اہتمام کرائیں بچوں سے, ان کو غسل کرائیں, تو انہیں معلوم ہوگا کہ آج کا دن ہمارا یہ صفائی ستھرائی کا دن ہے, ان کے ناخن تراشے جائیں, اور بہت سے لوگ تو کئی ملکوں میں تو آج کے دن بال کاٹنے کا رواج ہے, جیسے ملائیشیا میں انہوں نے جمعے کا دن فکس کیا ہوتا ہے, جمعے کے دن بالکل جگہ نہیں ملتی باربر جو شاپس ہوتی ہیں. تو
ये यानी कि हमें सफाई भी करनी है और साथ साथ गुस्ल के ज़रिए से, गुस्ल मैंने बताया था कि वो गुस्ल करना है कि जो हम पाकी के लिए करते हैं, तो इस तरह एक रिपीटेशन भी होती है उन आमाल की जिनके अहकाम दिए गए हैं। सही, और बच्चों में आहिस्ता छोटी सी एज से हम अगर ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो वो बड़े होंगे तो उनमें डिवेलप हो जाएंगी आदत की तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ब्लड प्रेशर के हवाले से, उसके हवाले से हमें बताएं तिब्बे नबी में क्या है। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि वज़ू के बाद पानी पी लिया जाए थोड़ा सा जी, और इसका इशारा ये मिलता है कि ब्लड प्रेशर ऐसे शख्स को नहीं होगा जो वज़ू करने के बाद पानी पी लेगा। तो अगर ब्लड प्रेशर वाले के लिए भी ये इशारा है कि अगर गुस्सा आ रहा है तो आप वज़ू कर लीजिए। गुस्से की जो कैफियत है और ब्लड प्रेशर हाई की जो कैफियत है, साइंस में वो एक जैसी हैं। सही, तो अगर गुस्से वाले को ये कहा गया है कि जिसे गुस्सा आ रहा है वो वज़ू कर ले, यही हम अप्लाई करेंगे ब्लड प्रेशर वाले पर भी, और वो ब्लड प्रेशर वाला शख्स ब्लड प्रेशर के वक्त अपनी दवाएं भी इस्तेमाल करे, वज़ू करे और बाद में पानी पी ले, इंशाल्लाह उसका ब्लड प्रेशर 5-7 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाएगा और वो किसी खतरे से बच सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हाई हो तो फालिज भी हो सकता है। जी जी जी, हार्ट अटैक का रेशो और हार्ट अटैक भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन फालिज ज़्यादा होते हैं और हार्ट अटैक का रेशो ज़रा कम है ब्लड प्रेशर से। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूछना चाह रही थी मैं, बेसिक चीज़ें हमें पता नहीं होती, आप हमें बताएं पानी पिया कैसे जाए। हम अक्सर खड़े होकर जल्दी में पानी पी लेते हैं या बैठ के पानी पीते हैं, क्या तरीका है पानी पीने का? हाँ देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो चीज़ बता दी जो इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। सही। पानी को बताया कि पानी फ़ायदेमंद कब होगा, एक तो ये कि पानी साफ़ होना चाहिए, इसलिए कहा गया कि देख कर पिए। देखने से मुराद ये नहीं कि पानी कुछ भी हो उसको देखा और पी लिया, देखने से मुराद रिसर्च करना है, क्या ये पानी पाक है, साफ है और स्मेल तो नहीं आ रही इसमें, ये तमाम चीजें। कोई हराम चीज तो इसमें नहीं, हराम नहीं है। कहा है कि आप भी बता रहे थे बॉयल करके ही पीना चाहिए। बिल्कुल, इससे ज्यादा हम आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। एक और कॉल भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम की, मैं रुबाब बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी जी रुबाब, फरमाए कैसी है आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी जी, मेरी अम्मी की जो है, मेरी मम्मा को फारिज भी है 10 साल से। अच्छा। और मम्मा को ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है। सही, आपका जो जवाब है डॉक्टर साहब से हम पूछ के आपको बता रहे हैं। जी, आप टीवी देखें ना, वो पित्ते में पथरी भी है। पित्ते में पथरी भी है, आप मुझे इसके बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, आप टीवी देखती रहें, आपको डॉक्टर साहब जो है जवाब दे रहे हैं, वो अपनी वालदा के हवाले से पूछ। बिल्कुल, देखिए मैंने एक बात बताई है, ये कंपाउंड डिजीज कहलाती है मेडिकल में, और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है कि एक मर्ज़ नहीं है, कई कई मर्ज़ साथ में हैं। मैं दूसरे मुल्कों में जो मैंने प्रैक्टिस की है, मुझे ज़्यादातर ऐसे मरीज़ मिले जिन्हें एक ही डिज़ीज़ है। अच्छा। इसकी वजह हमारी खुराकें हैं। अगर ये या कोई भी शख्स ये चाहता है कि वो अमराज से जल्द वापस आए, अपनी डाइट बदलनी होगी, पाकिस्तानियों को बीफ और फार्मी चिकन और फार्मी अंडे छोड़ने होंगे। सही। इसके अच्छा, बाद ही पथरी जो हो जाती है उसके क्या रीज़न? हाँ देखें, इसकी वजह ये है कि हमारा जिगर सफरा या बाइल बनाता है और वो पित्ते में जाके जमा होता है। अगर एक इंसान सेहतमंद ग़िज़ा नहीं ले रहा तो पित्ते के अंदर वो बाइल ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जैसे कि उसे गाढ़ा होने की वजह से असल में पथरी नहीं होती, गाढ़ा बाइल होता है वो। अच्छा। इतना हार्ड हो जाता है कि हम उसको पथरी का नाम देते हैं। वो निकल नहीं सकता क्योंकि निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है इतना कि उस पथरी को निकाल सके। तो उसके लिए एक बेहतरीन तरीका ये है, अगर सिर्फ पथरी है पित्ते में तो जैतून का तेल शहद मिलाकर अगर रात के वक्त ले लिया जाए, 4 चमचे जैतून का तेल जो एक्स्ट्रा वर्जिन हो और 2 चमचे शहद खालिस, ये मिलाकर रोज़ाना रात को लीजिए। बहुत केसेस में ये हुआ है कि वो बाइल फिर से लिक्विड में तब्दील हो जाता है और वो जो सेमी लिक्विड या उसकी ठोस शक्ल थी वो दोबारा से डाइल्यूट हो जाती है। जी, ये तो हदीस से मुबारक भी है कि शहद जो है उसमें बहुत सारी बीमारियों का जो हल है, इलाज जो है उसमें मौजूद है। बिल्कुल जी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे उसके हवाले से, आप दोबारा उसको कंटिन्यू करें, ब्लड प्रेशर के हवाले से आप गाइड कर रहे थे। ब्लड प्रेशर, जिस शख्स को ब्लड प्रेशर हाई भी होता हो और लो भी होता हो, वो कोलेस्ट्रोल चेक कराए पहले। जी जी जी, कोलेस्ट्रोल की वजह से भी इसके मसाइल आ सकते हैं। कोलेस्ट्रोल, अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल की वजह से हो रहा है तो उसका आसान तरीका तो ये है कि पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे अपना मुआयना कराइए। इसके साथ तमाम इकसाम के गोश्त छोड़ना होंगे। सही। 15 से 20 दिन तक, जिस शख्स ने 15-20 दिन कोई गोश्त नहीं खाया उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हद तक नॉर्मल होने लगता है। फिर डॉक्टर्स ने दवाएं दी होती हैं
वो भी काम करती हैं, लेकिन अंदरूनी तौर से एक तब्दीली लाना बहुत जरूरी है जिस्म के अंदर। एक और कॉल भी यहाँ पे हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपन डॉक्टर साहब का सवाल पूछनो आ। जी जी। कब्बर का दुकान आया बरखा। बिल्कुल तादा पूछो छा पूछनो तो। डॉक्टर साहब का ये साल है काम आ जाते थे इधर पे तामे दे जी तेज साबित है। जी 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 तहां के जवाब बुधायो था। थैंक यू सो मच तहां असा के कॉल कई लख थोरा तहां जा त असान प्रोग्राम जो तुम दिसा सभी मूँ असें कॉल्स क्या क्यूरीज पुछंदा क्यूरी पुछण से फायदो जो इलाही सारा मूँ बिहार उनके भी छो तो मसलो असोड़ो ना होंगे सभी मूँ जो होंगे है वो पूछ रहे मैदे की तेजाबियत है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये भी एक कॉमन मसला है और तेजाबियत से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि जब भूख लगे उस वक्त खाना खाया जाए और अगर खाना खाया जा चुका है उसके 4-5 घंटे तक कोई चीज़ ना खाई जाए। पानी पिया जा सकता है, कोई मशरूब पिया जा सकता है। सेब, अगर हम सेब की बात करें तो खाने से पहले अगर सेब खा लिया जाए तो वो तेजाबियत को कम करता है। अच्छा। और एक ये कि खाना मिर्च मसाले उसमें कम हो, अगर काली मिर्च में खाना बनाया जाएगा तो वो मैदे की तेजाबियत को कम करने में मददगार होगा। अच्छा। अगर लाल मिर्च में बनाएंगे तो तेजाबियत में इजाफा करेगा, यानी एसिडिटी या हार्ट बर्निंग में इजाफा करेगा। तो एक और चीज़ है खालिस सिरका। अब सिरके दो किस्म के हैं, एक तो सफ़ेद सिरका है, वो सिरका नहीं होता, वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एक तेजाब होता है। वो तेजाब यकीनन मैदे के अंदर तेजाबियत को पैदा करेगा। खालिस सिरका अपनी सालन की प्लेट में एक चमचा डाल दीजिए, उस सालन से आपको तेजाबियत नहीं होगी। सही, मतलब सिरका जो है वो भी इसमें काम आता है। एक और कॉल भी यहाँ पे हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, के गल है तो तां आवाज सही न पियो छे, तां प्लीज टीवी जो आवाज बंद करे। जी जी, तां कुछ पूछन चाहिंदा हो, कुछ गलाएं चाहिंदा हो, केर गल है था? अम्मा शाह पुजाकर का गाना है पर इनकी तबीयत सही काने का मुखे दमे की तकलीफ आए मुखे बुखार अचे तो वही पेट सुगी तो बनी। सही है, ता जी एज छा है? शुगर ब्लड प्रेशर। एज मुजी 35 साल आ के मतलब मथे ने सूर के मतलब ब्लड प्रेशर हाई थियो बने के मतलब लो थियो बने आई पेट पे थोड़ो दिस आरस बन्या त मुजे पेट ते रगु चढ़ियो बन्या मथा। सही है, शुगर जी तकलीफ ना है दी हले मथे ने सूर उल्टी शुरू थी थी वने कंधन सूर मथे में सूरी है थी तो वने। सही है, ता शुगर जी तकलीफ तो ना है? मैं 14 साल दी मुझे दम में ही तकलीफ थी आ इलाज डाडो करायो तो दम त न तो चले आ शुगर ब्लड प्रेशर कदो कद थी ना वजन घणो थी गयो मुझे। अच्छा सही, ता टीवी दिसो डॉक्टर साहब ता के जवाब देन पे मेहरबानी ता कॉल जी जी थैंक यू सो मच ता कॉल कई। डॉक्टर साहब वो पूछ रहे हैं कि उनको बुखार भी रहता है, उनको दमे की तकलीफ भी है, ब्लड प्रेशर शुगर की भी है और वजन भी उनका बढ़ गया है। आजकल ये चीज भी आम है बहुत सारे खवातीन में। जी जी हाँ, देखिये इसमें थायराइड का मुझे मसला नजर आ रहा है इनके। अच्छा। अगर इन्होंने थायराइड प्रोफाइल कराई है तो उसमें ये पता चलेगा कि थायराइड में जो हार्मोन्स हैं वो किस हालत में हैं। अच्छा, थायराइड को महफूज करने के खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने थायराइड को महफूज रखें। अगर वो कैसे रख सकते हैं? हाँ ये मैं बताऊंगा अभी। अगर थायराइड महफूज नहीं है तो बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं जो मेडिकल साइंस में किसी और वजह से होते हैं। अच्छा। लेकिन थायराइड का हार्मोन उनकी वजह बनता है। और कुरान हकीम की एक आयत है सूरह निसा की जिसका मफहूम है कि खवातीन के लिए कहा गया उनको थायराइड से बचाने के लिए कि अपने सीने पर चादर डाल के रखें क्योंकि थायराइड यहाँ पर है। अगर इस पे सूरज की लाइट लगेगी तो हार्मोन्स का निज़ाम बिगड़ जाएगा। सही। तो अल्लाह ताला ने कहा कि गले को कवर करके रखें अपने और इससे हम थायराइड से बच सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ दिन में नहीं है, रात में जो चांद की किरणें हैं वो भी नुकसान पहुंचाती हैं थायराइड्स को। अच्छा। अगर उसके साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएं मतलब तो लाइट किसी भी किस्म की, चांद की और सूरज की ना। अच्छा। लेकिन ये जो लाइट्स हैं इनकी बात नहीं की गई। तो ख्वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को इस तरह से कवर रखें कि उन पर सूरज की किरणें अल्ट्रावायलेट वो असरअंदाज ना हो, अल्ट्रावायलेट के साथ केमिकल रिएक्शन है। अच्छा। इसी तरह चांद की जो किरणें हैं उसके साथ केमिकल रिएक्शन है, पहले तो यहाँ से बचना है। इसके बाद अब इनको हो चुका है, इसकी तरकीब ये है कि ये जैसे मैंने बताया कि परहेज करें, परहेज के साथ साथ तली हुई और ज़्यादा नमक वाली चीज़ें ना खाएँ। और एक दवा है कासनी, जो कि आम मैंने देखा है कि अंदरूनी सिंध में जाना हुआ तो वहाँ खेतों में कासनी उगती है। अच्छा। और अहले सिंध माशाल्लाह जानते हैं, उससे वाकिफ भी हैं। तो कासनी के पत्ते इस्तेमाल करें, अगर कासनी के पत्ते ना हो तो कासनी के बीज एक चाय का चमचा नाश्ते के बाद, एक रात खाने के बाद। तो ये तमाम अलामत इनकी कवर हो सकती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से राब्ता करना ज़रूरी है।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मैं पूछना चाह रही थी, धूप जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती बिल्कुल। है। अक्सर यहाँ पे तो ऐसा होता है, हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं या बंद एरियाज में, बंद घरों में रहते हैं, तो धूप नहीं आ रही होती। धूप भी हमारे लिए अच्छी है, तो फिर आपने कहा कि धूप नहीं पड़नी चाहिए जिस्म जो है आपका? मैंने कहा गले पे नहीं पड़े, गले पे नहीं पड़े, बाकी बॉडी सिर्फ गला कवर करना है। वरना तो देखें, अल्ट्रावायलेट जब हमारे जिल्द पे से टकराती है तो आगे जाकर विटामिन डी बनता है। इसका मतलब है कि कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ हो रहा है, ये तो साइंस कह रही है ना। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि अपने थायराइड के मसाइल से बचने के लिए खवातीन अपने आप को कवर करके रखें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉल भी यहाँ पे हमारे साथ है, शायद किसी की क्यूरी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदा तहां कुछ पूछन चाहंदा प्रोग्राम दे हवाले सा, पाजी सेहत दे हवाले सा? दादो प्रोग्राम पता नहीं कसा था, डॉक्टर साहब के लगवी के बारे में जो बताया तो दादो, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर साहब के नंबर खते लालो दे वठा के मुख। अच्छा सही। जो असन बार के शुगर मनों जो मैदे की तकलीफ तक हुई। अच्छा, मैदे की तकलीफ है ताने भा के? तकरीबन 27 28 साल उम्र तक। अच्छा, 80 मन 80 किलो तक वजन। सही। छा तकलीफ है? तेजाबियत है, अल्सर है, छा है? इंसुलिन बदलनी थी। इंसुलिन बदलनी थी वजह मैदे की तकलीफ। मैदे थोड़ा कैसे तकलीफ। सही। तां टीवी दिसना रहो, तां के जवाब डॉक्टर साहब देन ता, ए तां कंट्रोल रूम आ, असन जे कंट्रोल रूम जे को उने मता जे को डॉक्टर साहब जो नंबर वठी सको ता, नालो वगैरह जे का डिटेल है ता वठी सको ता बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वो अपने भाई के हवाले से बात करें, 28 साल का है, उसको इंसुलिन का जो मसला है वो भी है, उसको बता रहे मैदे का भी मसला है जी। हां यकीन, ये मसाइल आते हैं। और बही दाना, अहदीस मुबारका में एक फ्रूट का जिक्र है, ये किताब भी है बही पर हमने लिखी है। वही एक ऐसा फ्रूट है, इसके बारे में कहा गया है कि ये दिखा सकते हैं आप कैमरा में? बिल्कुल, आप दिखा दें, मुझे दे दें, मैं दिखा दूं जी। ये वही है, ये फ्रूट है, इसके बारे में बता रहे थे आप। इसके बारे में हदीस मुबारका है जिसका मफहूम है इब्ने माजा की, कि इसमें 40 अफराद की कुव्वत है। अच्छा, यानी अगर कोई शख्स कोई टॉनिक इस्तेमाल करना चाहे, उससे ज्यादा बेहतर है कि एक फ्रूट रोजाना खा ले मीडियम साइज का, तो 7 या 8 दिन में उसको वो कुव्वत हासिल होती है जो 40 अफराद में मौजूद है। अच्छा, इसका दाना होता है जिसे हम बही दाना कहते हैं। बही दाना, एक चमचा बही दाना, एक टेबल स्पून बड़ा चमचा, एक गिलास पानी में 2 घंटे के लिए रख दीजिए। 2 घंटे बाद उसमें जेली बन जाएगी, पूरा पानी जेली में तब्दील हो जाएगा। सही। उसे फिल्टर कर लीजिए, यानी दाने बाहर निकाल लीजिए। इसमें इस जेली वाले पानी को आप पीना शुरू करें 2 बड़े चमचे हर 2 घंटे के बाद, तो अल्सर के जितने जख्म है वो अंदर इनको रिपेयर कर देता है। अच्छा जी। और तो ये तासीर ठंडी है, ये तासीर भी ठंडी है, दूसरा ये रिपेयर करता है, यानी ये ऊपर लेयर आ जाएगी और वो जख्म जो मैदे के अंदर है, क्योंकि बाज़ोकात अल्सर में जख्म से खून भी निकल रहा होता है। अच्छा, तो उसको भी ये रिपेयर कर देता है। सही। तो अच्छा, अल्सर में और क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? अल्सर में बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है ना? बिल्कुल। और ये बच्चों में भी अक्सर ये चीज जो है पाई जाती है, मैदे की तेजाबियत होती है, उसके बाद वो अल्सर में तब्दील हो जाती है। इसमें सबसे पहले तो एक अजीब बात मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो पैकेटों के मिर्च मसाले मिल रहे हैं, हमने अक्सर टीवी पे भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि वो मिर्च मसाले नहीं होते, मुख्तलिफ एसिड्स होते हैं जिनके जायके लाल मिर्च वाले, हल्दी वाले और धनिया वाले ये होते हैं। अच्छा, तो इसलिए डॉक्टर साहब हमें तफसील से और बताइएगा, क्योंकि ये सबका मसला होता है, बच्चों में भी पाया जाता है। एक और कॉल भी यहाँ पे हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। केर गल है तो कितना गल है तो? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा, कितना गल है था? मुझे वरमा नंबर हैदराबाद का। जी जी, ता कुछ पूछन चाहिए ना प्रोग्राम के हवाले से, गल है चाहिए ना या डॉक्टर साहब का पूछन चाहिए ना? जी डॉक्टर साहब से कुछ गलन चाहता। जी जी बिल्कुल, ता गल है डॉक्टर साहब, ता जी आवाज बुधन पे उर्दू में गला ही ना तो जवाब दिख सही। जी हां बिल्कुल, मैं तो मैदे में जो है थोड़ी सियारा खराब रहे तो सही, जो का गरम से का होता अंदर सड़े तो मतलब। अच्छा, ता टीवी दिसना रहो ता के डॉक्टर साहब जवाब देन ता। थैंक यू सो मच ता कॉल कई, जो यो मसलो जो है वो बारन में होंगे अजकल असा इन्हें ही गलें पे मैदे ते सभी में जनरली यंगस्टर्स जो उन में होंगे हम मिर्चों वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, उसकी वजह से मैदे में बीमारी। देखिए देखिए, मिर्च अगर है तब तो शायद ज़्यादा नुकसान ना हो। अच्छा, लेकिन वो एसिड है, लाल मिर्च के जायके में एसिड मिल रहा है पैकेट्स के अंदर, वो बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं, सबको जख्म हो रहे हैं मैदे के। मैं मशवरा दूंगा कि इस फ्रूट का जो दाना है आम पंसारी के पास मिल जाता है। सही, बही दाना के नाम से पंसारी जानते हैं, वो लाकर जो तरकीब बताइए, एक बड़ा चमचा, एक गिलास पानी में 2 घंटे, तकरीबन 10-10 दिन का हर पाकिस्तानी इसका कोर्स करें। सही। और दूसरी तरफ पैकेटों के मिर्च मसाले हमें छोड़ना होंगे,
تو وہ تیزابیت بھی ختم ہو جائے گی, السرز بھی ختم ہو جائیں گے اور جگر کے امراض بھی ختم ہوں گے. اور ایک اور چیز ہے کہ فروٹ, کوئی سا بھی فروٹ جو بھی موسم کا سب سے سستا فروٹ ہو وہ کھانے سے پہلے کھا لیا جائے تو السر بھی ختم ہو جاتا ہے اور تیزابیت نہیں رہتی. اچھا, فروٹ کھانے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ تفصیل سے اور بات ہم کریں گے. یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے ناظرین, ایسا سا کر رہا ہے جو ننڈڑے شارٹ کمرشل بریک جو ٹائم تھی ہوئے, کیپ واچنگ سلام سے. ویلکم بیک چندا سنگھ, تاں سبھی پیارا مانو کے اساں جی گفتگو ڈاکٹر صاحب سان لے پی. ڈاکٹر صاحب, کافی ساری چیزیں آپ میدے کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیا, پانی کے حوالے سے پوچھ ہماری بات آدھے میں رہ گئی تھی. پانی کے حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ پانی پینا کیسے چاہیے. میں نے آپ سوال یہ کیا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں تو طریقہ کیا ہے پانی پینے کا. صحت مند طریقہ یہ ہے کہ پانی کا گلاس لیا جائے, صاف ستھرا گلاس ہو اور اسے بیٹھ کر پیا جائے. اگر ہم بیٹھ کر نہیں پئیں گے, کھڑے ہو کر پانی پئیں گے تو وہ ہمارے گھٹنوں کو تباہ کر سکتا ہے. وہ اتنا خطرناک ہے ہمارے گھٹنوں کے اور کوہنیوں کے جوڑوں کو بھی. اور اگر یہ عادت بن جائے تو گاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے, جو چھوٹی انگلیوں کے جوڑوں کا درد ہوتا ہے جس کے ساتھ بخار بھی آتا ہے. تو اس لیے پانی کو بیٹھ کر پینا ہے, یعنی اتنی بڑی سائنس اس میں موجود ہے. اور یہ کہ تین سانس میں پینا ہے, کیونکہ پورا جسم جو ڈیٹاکس کر رہا ہے, جتنے زہر ہمارے جسم میں موجود ہیں ہمارے سانس کے ذریعے سے جسم سے باہر میکسیمم ان کا حصہ نکلتا ہے. تو اگر ہم گلاس کو نہیں ہٹائیں گے گھونٹ لینے کے بعد اور وہ سانس اس میں مکس ہو گیا, تو پانی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ایبزارب کرتا ہے. تو وہ جو کچھ جسم نے نکالا تھا وہ ہم نے پھر پی لیا. اور اگر وہ میدے میں جائے گا تو میدے کے اندر وہ بہت سی خرابیاں, خاص طور سے ایسیڈیٹی میں اضافہ, جو ایسڈس ہیں ہمارے میدے میں ان میں اضافہ کر سکتا ہے. تو اس لیے بیٹھ کر پانی پینا چاہیے. سانس جو ہے وہ ہمیں ایکسکریٹ کر کے پانی پی لینا چاہیے, سانس روک کے پانی پینا ہمیں ہٹانا چاہیے. ایک گھونٹ لے کر گلاس کو ہٹا دیں, سانس لیں, کیونکہ سانس اس لیے لینا ہے کہ میدے میں جب گیا ہے تو وہ کچھ گیسز ہے جو باہر آئیں گی. تو اس لیے وہ ہمیں ہٹا کر تین گھونٹ میں پینا چاہیے یا پانچ میں. اور فائدہ ہو جاتا ہے. خاص ایک اور خاص بات یہ ہے پانی پینے میں کہ کھانے کے بعد اگر پانی پئیں گے تو ایسیڈیٹی لازمی ہوگی, ہارٹ برننگ لازمی ہوگی اس کھانے سے. جی, تو اس لیے حدیث مبارکہ میں اس کا منع کیا گیا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پیا جائے. اگر بہت ضروری ہے ایک گھونٹ لے کر ایک روٹی کا لقمہ پھر سے لے لیا جائے. اور اس کی وجہ کیا ہے, اگر ہم کھانے کے بعد پانی پئیں گے تو جتنا فیٹ ہم نے کھایا ہے وہ پانی کی جو آخر میں گیا ہے اس سے کیمیکل ریئیکشن کر کے سارا فیٹ وہ اوپر میدے کی سطح پر آ جاتا ہے. اچھا, جسے ہم اسٹومک فنڈس کہتے ہیں, وہ چھت پر آ جاتا ہے. اس کی سارا کھانا تو آگے ہضم ہو جاتا ہے, فیٹ باقی رہ جاتا ہے اس میں میدے میں, اور وہ پھر بعد میں گیسز پیدا کرتا ہے, السرز پیدا کرتا ہے, ایسیڈیٹی پیدا کرتا ہے, حلق تک پہنچتا ہے, ہارٹ برننگ کرتا ہے. تو پانی پینے میں یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ کھانے کے بعد نہ پیا جائے, نہ پیا جائے. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں, تھائیروڈ کا بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. آج کل بہت زیادہ یہ مسئلہ عام ہے اور تھائیروڈ کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, بالکل. اس کا طب نبی میں کیا ہے؟ بالکل, طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا بہت شاندار علاج ہے. ایک میں نسخہ بتا دیتا ہوں. جی جی, اور اگر لوگ چاہیں تو اس کو وائس کو ریکارڈ کر لیں یا آپ کے پروگرام میں بعد میں دیکھ لیں. اس میں حب الرشاد 20 گرام, کاسنی کے بیج 15 گرام, سوئے کے بیج 7 گرام, اور قسط شیریں 80 گرام, انہیں پیس کر ملا لیجئے اور ایک چائے کا چمچہ ناشتے کے بعد اور ایک رات کھانے کے بعد. لیکن ایک اور بھی ہے کہ اس کی ایک ایک چٹکی کبھی کبھی منہ میں لے کر رکھ لی جائے. صحیح. اور اسے یہ, اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کڑوی ہو, اچھے خوشگوار ذائقے ہیں سب کے. لیکن اس کے اثر سے جو تھائرائڈ گلینڈز ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں اس کو اگر زبان پہ رکھا جائے. صحیح. اور ایک دو منٹ کے بعد اس کو پی لیا جائے. ایک اور چیز ہے کہ ہر کھانے سے پہلے برش کیا جائے یا مسواک کی جائے. اسی لیے اسلام نے 5 مرتبہ مسواک کرنے کا کہا ہے. اس میں جہاں ہمیں دانتوں کے امراض سے بچایا جا رہا ہے, وہاں گلے میں جتنے ہمارے آرگنز ہیں ان کے امراض سے بھی بچایا جا رہا ہے. جتنا منہ ہمارا خراب ہوگا اس میں بیکٹیریا زیادہ ہوں گے, وہ تھائرائڈ کو اور ٹونسلز کو متاثر کرے گا. صحیح. تو اس لیے ہر کھانے سے پہلے, ہر کھانے کے بعد مسواک کر لیجئے. ماشاءاللہ ہمارا جو سندھ ہے مسواک کے حوالے سے پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے. جی بالکل. اور میں نے تو ملائیشیا اور جرمنی میں سندھ کی مسواک دیکھی ہیں. صحیح. اور ماشاءاللہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار نماز جو مسواک سے پڑھی جائے گی وہ 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے ہماری سرزمین خوش نصیب ہے کہ لوگوں کو 70 گنا نماز میں اضافہ کر کے ایک مسواک کی وجہ سے دے رہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہر کھانے سے پہلے, ماشاءاللہ یہ تو فری ہے, کوئی ایسا ٹوتھ, یہ ایسا ٹوتھ برش ہے جس میں پیسٹ بھی موجود ہے. صحیح. اور دانتوں کو صاف کریں گے تو ویسے ہی آپ کا کھانا جو فلٹر ہو کے اندر جائے گا. اور میں ایک اور کال بھی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم.
वालेकुम सलाम अदा केर गलायो था अभी हैदराबाद का जको आ कुर्बान अली वदी को गलाया डॉक्टर साहब को क्वेश्चन करनो हो बिल्कुल ता करे उर्दू में करे तो ना अधिक बेहतर है ठीक है डॉक्टर साहब मुझे डायबिटिक के तशखीस हो 30 साल हो गए हैं जी तो मेरी एज अभी 53 है ओके तो मैं वजन 80 के करीब है जी तो असल बात ये है कि मैं 17-18 साल इंसुलिन पर चला तो इंसुलिन असर नहीं कर रही थी मैं 80 यूनिट पर पहुंच गया था अच्छा 80 पर तो वो नहीं अभी मैं एमआरएल टेबलेट 4 मिलीग्राम और ग्लूकोफेज 1 ग्राम सुबह शाम खाता हूं तो अभी मेरी शुगर कंट्रोल में है ओके आया ये हमें साइड इफेक्ट तो टेबलेट नहीं देगी उसके बाद मेरी पांव में गैंग्रेशन रही है हमेशा अभी भी थोड़ी थोड़ी है अच्छा। तो मेरी पांव की नसें जो है वो काली हो गई है जी बिल्कुल एक टांग की तो और उसके बाद मेरी नसें वो डिप वगैरह उठा नहीं रही न टांगों की उठा रही है न तो बाजू की उठा रही है इसके लिए कोई मशवरा देंगे कोलेस्ट्रोल या ब्लड प्रेशर के हवाले से बताइएगा ब्लड प्रेशर तो चेक करवाया है जब भी तो लाल लगा है कोलेस्ट्रोल अभी तक चेक नहीं करवाया चेक करा लीजिएगा कोलेस्ट्रोल भी और अपने डायबिटोलॉजिस्ट से रابطے में रहिएगा कुछ बातें मैं बताऊंगा उस पे अमल कर लीजिएगा और पैरेलल में हमारा इलाज शामिल कर लीजिएगा इंशाल्लाह थैंक यू सो मच भात आ कॉल कई ता जवाब जो टीवी दिसना रहो डॉक्टर साहब तांगे देन पे जी हां देखिए ये कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के और ये कॉम्प्लिकेशन में दाखिल हो चुके हैं और अच्छा खासा मरला है बहुत मेहनत की जरूरत है इनके साथ बहुत अच्छे डायबिटोलॉजी के जो सेंटर्स हैं किसी एक में इनको राबता करके हो सकता है इनको एडमिट भी होना पड़े वहाँ अगर अगर पाकिस्तान में ये सिस्टम है तो मैं ये बता देता हूँ कि बता दें थोड़ा गाइड कर दें हमारे पास आगा खान में सिस्टम मौजूद है जियाउद्दीन हॉस्पिटल में है और NIBD में डॉक्टर ताहिर शमसी से अगर राबता करें तो वो इन्हें बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं इस हवाले से ये हजरात ऐसे हैं कि जो डॉक्टर ताहिर शमसी तो माशाल्लाह एक साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया में उनका नाम है पाकिस्तान की तरफ से काफी फेमस डॉक्टर जी बिल्कुल तो मैं या फिर ये कि ये हमदर्द यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब बहुत बड़े हकीम भी हैं वो साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के बल्कि मैं तो इस हवाले से भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में जब पाकिस्तान आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि तरह तरह के हकीम हजरात होते हैं जिनका हिकमत से ताल्लुक नहीं है हमदर्द यूनिवर्सिटी में पूरा एक डिपार्टमेंट है हिकमत का अगर किसी मॉर्निंग शो में किसी को बुलाना हो तो किसी आम हकीम की बजाय वहाँ से इनके जो प्रोफेसर हैं उनको बुलाया जाए तो वो इतनी हिकमत जानते हैं कि आपके घर की और घर के पास एक एक दरख्त एक एक जड़ी बूटी कैसे इस्तेमाल कीजिए वो तक आपको बता सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि या तो डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब से रब्ता किया जाए उनके पास पूरा सेटअप इस हवाले से मौजूद है वैसे आप क्या कहेंगे इस हवाले से आप मैं ये कहूँगा देखिए इन्हें सबसे पहले तो अपनी ब्लड सर्कुलेशन चेक कराई जाए और मेरे पास जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मौसर है जिसमें मैंने बताया कि ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल किया जाए अच्छा ऊँटनी के दूध को ना सिर्फ ये पिए बल्कि जहाँ गैंग्रीन स्टार्ट हुई है वहाँ पर उसको लगाना भी शुरू करें हाँ ऊँटनी का दूध ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है फंगस को खत्म करता है और जहाँ गैंग्रीन किस्म के जख्म हो एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और साथ ही रिकवेट भी करता है वहां से वो तो इसलिए इन्हें इसका इस्तेमाल किया जाए जो नुस्खा मैंने बताया है शुगर का वो इस्तेमाल करें एक और चीज 3 इंजीर रात को सिरके में भिगो दें और सुबह उठकर नहार मुंह वो 3 इंजीर खा लें सिरका हटा दें 3 इंजीर उसमें से खा लें इंशाल्लाह ताला ये भी इनके गैंग्रीन खत्म करने में मददगार होगी इंशाल्लाह सही डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और कॉल भी हमारे साथ है हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केर गलायो था कितना गलायो था एरो मिठो आवाज है नाक्षा में गलायो था और ये सा के पूछो आते डॉक्टर साहब का पूछो कि दिमाग की कमजोरी है दिमाग की कमजोरी है की कसम थी दी सा की दाढ़ी कमजोरी है अच्छा की कमजोरी है थोड़ा बुझायो विसरी मैंने इन छियो दिया वैसे दिया तो मतलब काम के जिते रखूं ता का विसरी जी बने मतलब थोड़ा दस तो लगे के ते दिमाग चक्कर रखी था ने दिमाग के अड़े हिसाब जा अच्छा एज कितनी है तो एज जी ऐसा की 22 साल है तकरीबन अच्छा आऊं डॉक्टर साहब को बिल्कुल पूछा थी यो आम गाल है विसरी वनन शयो पर अगर जो तो मां भी है सब मणो ही होता है असा के गालियो काफी इन जगह विसरी वने पर ता पूछो था ता जो जवाब जो डॉक्टर साहब का सब पूछी ता के बुधायो ता इते ता प्लीज टीवी दिसना रहो ता के जवाब जो डॉक्टर साहब देन पे वो पूछ रही उनको कमजोरी है दिमाग की मतलब वो भूल जाती है चीजें जो है अक्सर वो भूल जाती है और अगर उनको कोई भी चोट लगती है सर में तो उनको चक्कर आने लग जाते हैं ओके और एज इनकी 92 जी एज कितनी है इनकी 22 का 22 एज है अच्छा देखिए इसमें बहुत यंग है
मैं इलाज में बता देता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि सिर्फ एक बार किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे भी एक मायना करवा लें। अच्छा जी हाँ, लेकिन इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो गैसेस पैदा करें। अच्छा। और इसमें पालक है। अच्छा। गोभी जो बंद गोभी है, आलू, अरवी और माश की दाल, चने की दाल, इन चीज़ों से अवॉइड करें। फार्मी चिकन भी गैसेस पैदा करती है बल्कि अल्सर भी करती है, उनसे बचें। फार्मी अंडे से बचें, ये चीज़ें हैं। अगर बीफ से भी बच जाएं तो माशाल्लाह इनको 50% ट्रीटमेंट तो यहीं से मिल गया इनको अवॉइड करने से। ग़िज़ा में इन्हें लौकी का जूस सुबह सवेरे अगर नहार मुँह पी लें, ये एक लौकी जो तकरीबन 6 इंच के करीब हो, ये उसका जूस निकाल के सुबह सुबह पी लिया करें। ये तमाम अलामत इंशाल्लाह उसी से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ अगर ये किस्ते शीरी जो तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवा है, अगर उसका 1-2 ग्राम यानी 2 बड़ी चुटकियाँ नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद ले लें, तो भी इन्हें चक्कर आना और मेमोरी के मसाइल इनके हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, वो अपने उसके हिसाब की बात कर रही थी, तो बादाम का भी इस्तेमाल होता है, बादाम फायदेमंद है वाकई में गहनत के लिए इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, बादाम को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी मिकदार इस एज के लिए 3 बादाम रोजाना है। अच्छा, ये ले सकती हैं, उससे ज्यादा ना लें। और अखरोट का भी इस्तेमाल होता है, अखरोट की एक आम जो मिकदार है रोजाना इस्तेमाल करने की, वो आधा अखरोट रोजाना है, तो आधे अखरोट से ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए वरना मेमोरी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉल भी हमारे पास है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा, केर गलाया था, कितना गलाया था अदा? टीवी जो प्लीज आवाज बंद करे ता गले न सही तरीके से कम्युनिकेशन थी सकती। असा के वरी बीहर जो आवाज है वो बुधन में अचे तो वो कम्युनिकेशन में थोड़ो मसलो थिए तो कॉल ड्रॉप थी वही। तां बीहर कॉल कियो, जदे तां कॉल कियो था तो प्लीज टीवी जो आवाज बंद करे गलेंदा कियो ताकि कम्युनिकेशन सही तरीके से थी सके। असा के वरी पंजी आवाज जो है वो अभी बुधन में पी अचे। जी डॉक्टर साहब, किसी दूसरे कमरे में चले जाएं, घर वाले वहां सुन लें, आप कहीं और जाके कॉल कर लीजिए। जी इसमें हम बात कर रहे थे कि एक मैं ज़रा सा ब्लड प्रेशर में एक एडिशन करना चाहूँगा कि जिन्हें ब्लड प्रेशर हाई होता है, इस रोल नाम की एक जड़ी बूटी पंसारी से मिल जाती है। अच्छा। और इस रोल के 1 ग्राम एक चुटकी अगर आप ले लेंगे तो इंशाल्लाह ताला 5 मिनट में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और 6 घंटे तक नहीं करेगा। लो नहीं करेगा, ये उनका है जिनके लिए हाई है। अच्छा अच्छा, ब्लड प्रेशर में जैसे आपने कहा कि लो भी हो जाता है, मॉनिटर करना होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को ये पता होता है कि मैं हैबिचुअली एक मेडिसिन ले रहा हूँ रोज़ाना, सुबह टेनोरमिन फस्करन ले रहा हूँ मैं ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए, तो उसका बीपी लो है और वो उसने फिर भी ले ली आदतन। अब अगर लो में उसने ली है कोई भी दवा, इसरोल ली है या व्हाटएवर, तो उसका ब्लड प्रेशर जब लो होगा तो उसका दिल बैठना शुरू हो जाएगा, ठंडे पसीने आने शुरू हो जाएंगे उसको, और बाज़ औक़ात इसमें कोमे में जा सकता है इंसान। सही, एक को लड़के ने कॉल भी की थी ना, वो भी यही पूछ रहे थे कि मैं ब्लड प्रेशर जैसे नॉर्मल होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है। एक और कॉल भी यहाँ पे हमारे पास है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, के गले होता दी, कितना गले होता? जी मैं कराची से बोल रही हूँ, रेशमा चन्ना। कैसी हैं आप, खुश हैं, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश हूँ। आपका प्रोग्राम देखा बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर साहब से मुझे कुछ पूछना है। थैंक यू सो मच, आप पूछें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि मुझे महामारी का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। हां, महावारी की प्रॉब्लम है, 4-5 महीने ठहर जाते हैं। आपकी एज क्या है? जी अभी 80 साल। ओके, 80 साल। ओके हां, और एक मेरा बच्चा भी है, दो दूसरी औलाद भी हो रही, सब 11 साल हो गए, 8 साल का बच्चा मेरा, उसके भी फेट नहीं है, उसके बारे में पूछना है, उसके ब्लड टेस्ट आए मेरे बेटे को। आपने किसी गायनोलॉजिस्ट से रابطہ किया, किसी को विजिट किया आपने? हाँ, वो मैंने बहुत इलाज कराया है, वो ये गोलियाँ दी थी, ये खा ले, वो गोलियाँ खाती हूँ जो 250 रुपये पत्ता मिलता है, उसे खाती हूँ तो वो फिर महावारी आती है, अगर नहीं खाती है तो फिर क्या था 500 रुपये नहीं आती, ये तो नहीं है, गोलियाँ खा लूँ उसके बाद आ जाए फिर ना आए, बहुत परेशान हूँ। okay. मेरे बच्चा भी वो बेटा दूसरा इलाज भी बहुत कराया है मैंने। सही, आपका वजन कितना है, वेट आपका? ओके 65 है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं। जी अब हम फिर रॉयल जेली पे वापस आएंगे कि उसमें ये खासियत है
कि वो औरतों के जो माहाना निज़ाम है उसको रेगुलर कर देती है। अच्छा। और ऐसे मैंने मरीजों को दिया जो 6-6, 8-8 महीने से, बल्कि 1-1 साल से, लेकिन रॉयल जेली का एक 15-20 दिन का कोर्स ही माशाल्लाह वो रेगुलर हुए और हमेशा कैसे रहना है उनको ये भी बता दें। बिल्कुल, रॉयल जेली अगर शहद में मिली हुई है तो वो एक चाय का चमचा सुबह नहार मुँह और मगरिब के वक्त ले लिया जाए। अगर खालिस है तो खालिस रॉयल जेली की जो मकदार है वो इतनी है जितनी माचिस की जो तीली पे जो मसाला होता है। अच्छा। ये उसकी मकदार बताई गई है। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, नाक और कान से खून आ सकता है। सही। तो इसलिए उसकी कम से कम मकदार ली जाती है जितनी की शहद की मक्खी इस्तेमाल करती है। अच्छा, वो पानी के साथ, दूध के साथ, किस चीज़ जी? ज़्यादा बेहतर यह है कि उसे नॉर्मल जो सादा पानी उससे इस्तेमाल किया जाए। सही जी। और खाली पेट इस्तेमाल किया जाए, और जब रॉयल जेली इस्तेमाल करें तो अंडे और मछलियाँ वगैरह बंद कर दी जाए। किस्त कितने टाइम के लिए बंद कर देंगे? तकरीबन 1 माह के लिए, 1 माह का ये कोर्स कर लें, इंशाल्लाह हमेशा के लिए रेगुलर हो जाएंगे। सही। डॉक्टर साहब, एक और कॉल भी यहाँ पे हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, के गल है तो आवाज़ असं सही तरीके से न पी अची सके। तहजी कॉल जो है ड्रॉप थी वही, बीहर तुम कॉल कर, इंशाल्लाह तहजी क्यूरी जो है असि पहुंची वी कंदा रहो, ताकि असाजा जो प्रॉब्लम्स उ गाले कर घर में ही घर वेठे उनको इलाज जो असर खबर पई सके या मसलो जो असो सॉर्ट आउट थी सके। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे हमें ब्लड प्रेशर के हवाले से, एक और कॉल भी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा। मीरपुर खास जी जी ब्लड प्रेशर देखा सवा कार्डियो पेशेंट भी है। अच्छा। ये जो प्लास्टिक थी और शुगर तो मुझे नॉर्मल हले पियो। कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराया कभी? जी, कोलेस्ट्रॉल मुझे नॉर्मल है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। और ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर तो मेरा नॉर्मल ही रहता है, मैं टेबलेट वगैरह खा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो है एंजियो प्लास्टिक हुई है। अच्छा, एंजियो प्लास्टिक। क्या उम्र क्या आपकी? जी, उम्र मेरी है 49। ठीक है। और शुगर में कौन सी दवा ले रहे हैं आप? ग्लूकोवांस 500 वाली ले रहा हूं मैं, एक टेबलेट सुबह के टाइम। ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट तो नहीं है आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मैं अर्ज करता हूं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। थैंक यू सो मच ताँ कॉल कही जी। हाँ, वो जहाँ तक देखें शुगर का ताल्लुक है, शुगर में जहनी टेंशंस भी इसमें कारफरमा होती हैं, और शुगर वालों को चाहिए कि वो पुरसकून रहें। अच्छा। और पुरसकून रहने का बेहतरीन तरीका क्या है कि नमाजें का अहतमाम करें, मेडिटेशन, नमाज का, वुजू का, कुरान की तिलावत करें। कुरान की तिलावत करने से जो एनर्जी जिस्म पर जाती है वो उससे ज़्यादा ताकतवर है जो हमें अल्ट्रावायलेट के ज़रिए मिलती है। अच्छा। इसलिए कहा गया है कि हदीस में मुबारक में भी है कि कुरान को ज़रा आवाज़ के साथ पढ़ो, क्योंकि आवाज़ के साथ जब पढ़ेंगे तो हमारी स्किन से टकरा के या हमारी समाज से टकरा कर वो केमिकल रिएक्शन करती है जिससे हमें सुकून महसूस होता है। सही। पुरसकून रहने के साथ साथ जो हमने नुस्खा बताया है शुगर का, वो भी इस्तेमाल करें, और ऊँटनी के दूध इनको भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इंजीर का भी इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज अगर इंजीर को साथ रखेंगे उन्हें कभी गैंग्रेन नहीं होगी। अच्छा जी। कितनी खानी चाहिए तादाद? हर खाने के बाद एक इंजीर। हर खाने के बाद एक इंजीर, ये तो आदत बना लें अपनी। बिल्कुल सही। इंजीर में एक और खास फायदा क्या है कि वो इंसान को पाइल्स नहीं होने देती। सही। जी हाँ, क्योंकि वो उसमें विटामिन के पाया जाता है जो बहते हुए खून को रोकता है, तो जिन्हें पाइल्स है, बवासीर का मसला है, खून बहता है, वो भी 3 इंजीर सुबह नहार मुँह ले लिया करें तो उनका वो खून रुक जाएगा और इंशाल्लाह क्योर भी हो जाएगा। सही। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ, उसके बाद हम और ज़्यादा गुफ्तगू जो है करेंगे मुख्तलिफ चीज़ें जो उनके हवाले से। नाजरीन, तहां भी कॉल्स कर सको था, इतने नंढड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थो है, ब्रेक का बाद इनशाला असा अजा सवाल जवाब जो डॉक्टर साहब का पूछना सी तमाम कचाऊ माम कदम असगर रहो रिसना रहो सलाम से।
वेलकम बैक चंदासी तहां सबिन प्यार मानन के एक दफा बियर है असा जनरली सेहत के हवाले से गलाय प डॉक्टर साहब से जनरली गुफ्तगू करियां पई जरे असा डिस्कस करियूं प तो डॉक्टर साहब बुधाइन प के असा जो कैंसर जो रेशो वो इलाही वधी वियो है हर पंजे मानू के कैंसर है तो उन का बचन की गुर्जे असा के वो खौफ हैराज पिकड़ो फैलन हो कैंसर जो इलाज ना है तो उन हवाले से डॉक्टर साहब का तफसील जका है वो जानू ता डॉक्टर साहब आप बताएं कैंसर जो है वो क्या है क्यों होता है इसके हवाले से थोड़ा हमें गाइड करें। बिल्कुल, देखिए कैंसर हमारी ग़िज़ाओं की वजह से है। अच्छा। और साइंसदानों के दो तबके हैं, एक इसे सेल्स की ख़राबी बता रहा है और एक उससे भी आगे जाके ये कह रहा है कि ये फंगस है जिस्म के। अच्छा। जैसे हमारे जिस्म पे अगर नाखूनों में फंगस लग जाए तो वो भुरभुरे होकर सॉफ्ट होकर टूट भी जाते हैं खुद ब खुद। अच्छा। डिकम्पोजिशन हो जाती है। इसी तरह जिस्म के अंदर फंगस लगे उसको हम कैंसर का नाम देते हैं और जिस्म के उस हिस्से की भी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है जो कि कब्र में होती है इंसान की। अच्छा। तो इसलिए कैंसर ग़िज़ाओं से आता है और गलत आदत से, मसलन सोने जागने के औकात सही नहीं है हमारे, इससे भी कैंसर होता है। ये कैंसर को सपोर्ट करता है। अच्छा। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो ग़िज़ाओं से जिस्म में दाखिल हुआ, ग़िज़ा पर सवार होके जिस्म में दाखिल हुआ। अब जिस्म में उसको अगर डाइट मिलेगी और उसके लिए बहुत अच्छा है कि एक इंसान रात को लेट सोए, ये कैंसर की अफजाइश में फ़ायदेमंद है। तो अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो कैंसर से बचे, पहले तो वो इन ग़िज़ाओं को रोके जिन्हें मस्नूई वो दी जा रही है। कौन सी ग़िज़ाएं इस पे हम बात करेंगे, एक और कॉल भी है हमारे साथ यहाँ पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की है अदा, केर गलायो था, कितना गलायो था? सर का सखी जान दाता था, आप से बड़े बड़े की होगी, मैं कहाँ खुश आए, तुम की टीम खुश आए? असा बिल्कुल ठीक है अदा, कहाँ की है, कहाँ खुश है हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप पाव का सवाल करो। बिल्कुल, कहाँ करियो जी? मुझे मैं मुझे हमारे से शुक्र आए हैं इंसुलिन इस्तेमाल करने डॉक्टर ने नहीं तो उन्होंने जी इंसुलिन इस्तेमाल से पे तो तकी वर्ष को को चार तो सारे चार तो रहे तो यूं लगा लास्ट में आप देवन जी इस्तेमाल कर वो रानी ट्रफी हो जी आये मना दवा घर बोलने रहे तजत सुस्ती घनी वो आने संयो बंद करे टेबलेट इस्तेमाल करे पे तो कुछ शुक्र आया था इसको तो रहे जी। अच्छा। इन्हें आने रीजन वाला चाहे था जैसे प्रयोग जैसे कंट्रोल न चुकने को लगता हो मशहूर करो। जी जी, तां बिल्कुल डॉक्टर साहब, तां जी आवाज से का बुधन पे टीवी जो आवाज तां प्लीज बंद करे छियो, तां के जवाब देन ता डॉक्टर साहब। जी जी भैया, टीवी पे के तां रिसो, तां के डॉक्टर साहब जवाब देन पे। थैंक यू सो मच, मेहरबानी तां कॉल कई असन के। वो पूछ रहे उनके वालदा को शुगर है, इंसुलिन ले रही है, फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, काफी बार ऐसा हो जाता है, तो उसकी वजह क्या है और उसको कैसे कंट्रोल? बिल्कुल, देखिए हमने तिब नबी की अद्वियात से मलेशिया में एक प्रोग्राम तैयार किया। अगर कोई शख्स मलेशिया चला जाए तो वहां 5-6 सेंटर्स हैं शुगर इंसुलिन के साथ, जो इंसुलिन डिपेंडेंट्स हैं। अच्छा। 6 वीक्स में वो उनकी इंसुलिन को ख़त्म कर देते हैं, यानी इंसुलिन नेचुरली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और तिब नबी की और कुछ जदीद अद्वियात मिलाकर उसका उसकी शुगर लेवल को बैलेंस किया जाता है। सही। वो प्रोग्राम हमने पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कराया है और बहुत जल्द उसका अनाउंस भी इंशाल्लाह आप ही के चैनल से करेंगे। लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि जो नुस्खा मैंने बताया है ये फौरी तौर से शुरू कराया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की इंसुलिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी नुस्खे से ख़त्म हो चुकी है। सही। और वो नेचुरली उनकी जो रीजनरेशन है वो स्टार्ट है। और इसमें ऊँटनी के दूध से एक मसला सामने आ सकता है, बहुत से मैदे उसे आसानी से हज़म नहीं कर पाते, तो जैसे हमने बताया कि एक कप से शुरू किया जाए, लेकिन ये एक कप कैसा हो कि इसमें आधा कप पानी हो और आधा कप दूध हो। सही। जब लाइट शुरू में, चूँकि ब्रेन हर चीज़ को स्टडी करता है, तो 2 वीक तक इस तरह से आधा कप आधा पानी दिन में 3 बार लिया जाए, आधा दूध। तो 3 हफ्ते के बाद जब ये 1 कप पर आएंगे और उसके बाद 1 गिलास पर आएंगे तो इन्हें ये मसला नहीं होगा। सही। तो ये इस्तेमाल करें और चिकनाइयाँ हर किस्म की ख़त्म कर दें जो बाज़ार में फैट वगैरह मिल रहे हैं। मैं तो शुगर वालों से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में गोश्त ही ना खाएँ वो। सही। क्योंकि हम गोश्त के नाम पर क्या क्या सेल करते रहे हैं अभी। हाँ। वो सब रिपोर्ट्स आपने जी आपके चैनल पर भी वो रिपोर्ट्स आई हैं, तो लोग उससे इस्तेफादा करें और गोश्त से बचें ताकि मैक्सिमम जो टॉक्सिन्स जिस्म में हैं वो ना जाएं और खारिज हो सकें। सही। और वो नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये काफी बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक और कॉल भी यहाँ पे हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। केर असा सगद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, केर गालायो था? मां इरम की गाना है, इस्लामाबाद से। इरम की है, तां इस्लामाबाद की है? इस्लामाबाद। ठीक है, हमने कंफर्म ये करना है कि मेरी मदर है, उनकी एज 48 है। अच्छा। तो उनके गर्दन और सर में ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से उनके पाँव के नीचे भी ज्यादा दर्द होता है और थंब में मतलब ये सोन हो जाती है सारी चीजें। अच्छा।
शुगर ब्लड प्रेशर डॉक्टर से पूछेंगे वो क्या। अच्छा शुगर जी, शुगर की या ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं है? नहीं, सारा कुछ नॉर्मल है उनका, प्रेशर शुगर वगैरह नहीं है। सही आपको टीवी देखें, डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं। थैंक यू सो मच आपने कॉल किया जी। इन्हें अपना यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल दोनों चेक कराने चाहिए। सही। और वालदा को कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराएं और वॉक कराएं इनको, खासतौर से रात खाने के बाद कम से कम 200-300 कदम इनको चलाएं। अच्छा। चाहे वो आहिस्ता हो लेकिन 50 कदम से शुरू करें, ग्रेजुअली बढ़ाते हुए 500 कदम तक आ जाएं। तो आमतौर पर ये सुन होना जो जिस्म का है ये इससे बहुत कम हो जाता है, लेकिन सुन होने की वजूहत में कोलेस्ट्रॉल का बहुत अमल दखल है, और खून में अगर गाढ़ापन जिसे हम कहते हैं अगर वो है तो भी क्लोटिंग या दूसरे मसाइल की वजह से। ये चीज़ ज़ाहिर है कि डॉक्टर के पास जाके मालूम करें और टेस्ट करा लें अपने कोलेस्ट्रॉल का और यूरिक एसिड का। सही। और उसका इलाज कर लें। और इसमें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि तमाम बीमारियों में इजाफा होता है जब हम गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर मेडिकल साइंस ने जो गोश्त की मकदार दी है वो 100 ग्राम गोश्त हफ्ते में 2 मरतबा ये है, लेकिन मेरे ख्याल में हम रोज़ाना 100 ग्राम खाने वाले माशाल्लाह, तो इसलिए ये मसाइल हमारे साथ ज़्यादा हैं। और साथ ही ये करें कि सिरका अपने हर सालन में शामिल रखें, लेकिन अब चूंकि वहाँ सर्दी है वरना सिरके का ये है कि 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून सिरका मिला के पिया जाए तो ये सुन जो होता है जिस वक्त सुन हो रहा हो उस वक्त वो नॉर्मल हो जाता है। सही। आर्जी तौर पर वो दोबारा होगा, ज़ाहिर है उसका एक बाकायदा इलाज है, लेकिन आर्जी तौर पर ये किया जा सकता है। नाश्ते में जौ का दलिया, जिसे हदीस में तलबीना कहा जाता है, अगर जौ का दलिया इस्तेमाल किया जाए तो वो जब जिस्म से खारिज होता है दलिया तो वो मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल को सक करके खारिज होता है। अच्छा, इतना अच्छा है, इतना अच्छा। डॉक्टर साहब एक और कॉल भी यहाँ पे हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। बिल्कुल, आप बात करें, डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब जी। जी मुझे ये पूछना है, मुझे झटके आते हैं, मेरे आंखों के अंधेरा आता है, नजर नहीं आता है, पानी पानी आता है। अच्छा। फिर मेरा एक हाथ सुन होता है जी, हाथ सुन होता है, फिर मेरा एक वो ही हाथ सुन होता है, उसी हाथ का साइड मेरा मुंह का वो सुन होता है और जुबान भी हिलाता है। ओके। तो ये झटके मुझे आते हैं, एक हाथ आया था शायद 6 साल पहले, एक 10 साल पहले, एक कल आया था, तो इसका क्या इलाज है या इसका इलाज करवाऊं या ये वैसे आते हैं? जी, आपने न्यूरोलॉजिस्ट को या किसी डॉक्टर को विजिट किया? नहीं, नहीं किया। अच्छा, अभी फोरी, तक किसी को दिखाया नहीं। फोरी तौर से सुन हो रहा था, हाथ कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे मेरा हाथ है ही नहीं, ठीक है, ऐसा हो रहा था, और मेरा जुबान भी ओके कुछ हो रहा था, शुगर और मेरा मुंह का साइड भी जी मैं सुन रहा हूँ। आप ये बताइए, शुगर या ब्लड प्रेशर है आपको, इसकी शिकायत है? जी, कभी मैंने चेक नहीं करवाया। अच्छा जी, जी जरूर, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। आप टीवी देखती रहे, आपको डॉक्टर साहब जवाब जो है बता रहे हैं जी। ये काफी टाइम भी खतरे में है, ये काफी खतरे में है, इनको इमरजेंसी में ले जाया जाए हॉस्पिटल में। अच्छा। वरना ये मुकम्मल करीब है पैरालाइज होने के। अच्छा जी हाँ, तो इसी वक्त इनको एमरजेंसी किसी भी हॉस्पिटल जो करीबी हॉस्पिटल हो वहाँ ले जाए इनको, सही तरीके से वहाँ पे इलाज मुकम्मल इलाज वहाँ से करवाएं, वहाँ से करवाएं। इस वक्त टिप्स का वक्त नहीं है, सही, इनके पास वक्त भी बहुत कम है इस वक्त। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, टाइम भी बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ 2-3 मिनट है, आप हमें कैंसर के हवाले से थोड़ा बहुत आगाह कर दें, बता दें उससे बचा कैसे जा सकता है। कैंसर से बचने के लिए सबसे पहले ग़िज़ाई आदात जो हमने बयान की, उनके साथ साथ कुछ जैसे जौ का दलिया है, सिरका अपने साथ रखा जाए। सिरका फंगस को किल करने के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम इसको खाएंगे तो अंदर भी फंगस नहीं रहेगा। अच्छा। ये है, इसके साथ ही कुछ कुरानी आयात हैं जो इस किस्म के अमराज में हेल्पफुल शामिल होती हैं। अच्छा। क्योंकि अगर हम सिर्फ दवाओं से इलाज करें, हमने देखा है कि दवाओं का इलाज कीमोथेरेपी वगैरह एक स्टेज पर आकर रुक जाता है और उसके बाद फिर मरीज मौत के मुँह में भी जा सकता है। तो कैंसर का इलाज करने के लिए जो अहदीस मुबारक में एक दवा आई है जिसका नाम हमने अक्सर सुना है कि किस्त शीरी पूरी दुनिया में इसका ऑयल और इसका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाता है लास्ट स्टेज के कैंसर को ख़त्म करने के लिए। अच्छा। दूसरी दवाएं मिलाकर, तो मैं कैंसर का एक नुस्खा बता देता हूँ, अगर वो इस्तेमाल करें जल्दी से आप बता दें कीमोथेरेपी के साथ तो इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। किस्त शीरी 100 ग्राम, कासनी के बीज 15 ग्राम और मुर मक्की एक चीज़ है ये 7 ग्राम और सोए के बीज 7 ग्राम,
इन्हें पीस कर मिला लीजिए, एक बड़ा चमचा यानी टेबल स्पून नाश्ते के बाद जो 10 ग्राम है, और एक रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। जैतून का तेल पीना शुरू करें कि वो अंदर से कैंसर को और फंगस को ख़त्म करता है। हर खाने में सिरके को शामिल करें जो खालिस सिरका हो, और अपने डॉक्टर से रब्ता रखें, इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे पास आए आज अपना टाइम निकाल के, और बहुत बहुत हम मशकूर हैं कि आपने इतना लोगों को फायदा दिया, इतना ज्यादा हमें बातें जो है हमें पता चली, इलाज जो है हमें पता चले। काफी चीजें होती है हमें पता नहीं होती, जैसे पंसारी की दुकान से सस्ती सस्ती चीजें जो मिल जाती है जिससे इलाज हो जाता है, हम महंगे महंगे इलाज की तरफ वहां पर जा रहे होते हैं। नाजरीन इतने टाइम जो इख्ताम से पहुंचो है, असान प्रोग्राम खत्म थे वे पे, इनशाला मंडे से असानी मुलाकात थी, मंडे से नया गेस्ट हों, नया कंटेंट हों, असो फीडबैक जरूर असा दीजो। अजो प्रोग्राम है सेहत के हवाले से प्रोग्राम हो, तिब्बे नबी में सेहत जी वो कि है, वह कि असि शूं फायदेमंद असा होंगे, असि खबर ना अज अस उन्होंने जनरली गल इनशाला असान जो प्रोग्राम है वो तहां आज शाम जो तहां के यूट्यूब तां मिली वो असान पेज सलाम सिंह के नाले से उन्हें तां लिंक शेयर कर छींदी आया, तो उन्हें तो तुम खी सोता फायद जो है वही सोता। इतना नंढड़ी दुआ दींदस कि खुश आबाद सलामत हो, अल्लाह हाफिज। संभाले निकरे थो, सरजमीन सिंध ते जीए सजो भरे।